फिक्र न करो, शेखर भैया आते होंगे। बड़े भैया ने तार दिया, वो जल्दी ही आ जाएंगे। क्या बात है, आपने जल्दी आने के लिए कहा था? अरे भाभी हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। भाभी, उसके सामने जाने से पहले मेरी एक बात सुनो। जल्दी कहिए भैया। तुम्हारी भाभी के जीवन का आखिरी सपना तुम्हारी और उसकी छोटी बहन लक्ष्मी की शादी। क्या, लक्ष्मी की और मेरी शादी? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हारी तरफ से उसे वचन भी दे दिया। अच्छा शेखर, भाभी भाभी मैं आ गया हूँ। भाभी तुम आ गए, शेखर तुम आ गए। चुप चुप जी मेरे लाए, चुप चुप जी। लक्ष्मी 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 भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं मजबूर हूं भैया। सुन लिया भगवान, शेखर मजबूर है, बड़ा हो गया है ना। ये शेखर अब वो शेखर नहीं जिसे मैंने गोद में पाला, जिसे चैन की नींद सुनाने के लिए तू रात रात भर जागी। मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकूंगा। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। भैया ऐसा मत कहिए, भैया ऐसा मत कहिए। मुझे वो जिंदगी भी नहीं चाहिए जिसमें आपका आशीर्वाद न हो। आपके वचन का पालन मेरा धर्म है भैया, मेरा धर्म है। आ जाने दो, फिर बाद में मिलेंगे, समझे? चाचा तो बहुत देर से आएंगे, सुना है वो दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली तो बहुत दूर है। माँ मुझे लड्डू दो ना। उफ़ माँ, मेरा टाइम हो रहा है लड्डू। अरे शांति, माँ मुझे
ये दोनों को जल्दी से बाहर ले जाओ, नहीं तो मधु आने से पहले सारे लड्डू ये चट कर जाएंगे। चाची, ये भूत इस तरह चलने वाले नहीं है। इसका मतलब देना ही पड़ेगा। हाँ मैं सब समझती हूँ, लड्डू तुझे भी चाहिए। ये और जाके देख तू चाचा जी क्या कर रहे हैं। चाचा चा, तुम्हें भी चाहिए ना, लो। अरे राम और श्याम, चलो भाई स्कूल जाने का वक्त हो गया। ये रहा आपका राम और ये रहा आपका श्याम। आए तो सभी लड्डू खा रहे। लेकिन आप कहाँ चल दिए? मेम साहब जहाँ रोज जाते हैं, नौकरी, फैक्ट्री। लेकिन आज आपका भाई आने वाला है, स्टेशन नहीं जाएंगे लेने? अरे भाभी, मधु भैया को स्टेशन से लाने की ड्यूटी हमारी लगी है। ओहो, क्या इस तरह जाओगे हाथ में रैकेट उठाए हुए? कहीं ऐसा ना हो कि उसकी गाड़ी आ जाए और तुम कॉलेज में टेनिस ही खेलते रह जाओ। इम्पॉसिबल भाभी, इम्पॉसिबल। अरे श्रीमती जी, अभी तो गाड़ी आए में 3-4 घंटे बाकी हैं। आप खामखा परेशान हो रही हैं। क्यों ना हो, मेरा देवर जो आ रहा है। अरे मधु भैया कलेक्टर बन के क्या आ रहे हैं भैया, लगता है पुराने जमाने के गवर्नर जनरल आ रहे हैं। और नहीं तो क्या, मेरा देवर क्या कहा? गवर्नर जनरल भाभी। हाँ, गवर्नर जनरल से कोई कम है? अजी क्यों नहीं, आपके लिए तो मैं भी हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट से कम नहीं। देखिए आज फैक्ट्री में लीडरी कम कीजिएगा और घर जल्दी वापस आइएगा। घर जल्दी वापस आऊं? जी हाँ। बात अच्छा। रवि, एक गेम और हो जाए। आज नहीं, मुझे जल्दी जाना है। अरे कहाँ जाना यार, सुन तो, ओ मेरी बात तो सुन यार। रवि, ओ रवि, इतनी जल्दी भी क्या है? नीलू मधु भैया दिल्ली से आ रहे हैं, मुझे स्टेशन पर जाना है। स्टेशन? स्टेशन तो मुझे भी जाना है। भैया तुम स्टेशन जाके क्या करो? इन्हें रेलगाड़ी के नीचे सर रखना है। जी नहीं, वो तो हम दोनों मिलके रखेंगे। मुझे अपने पैसों की सवारी करनी है, रुपयों की। रुपयों की सवारी? जी हाँ, भूल गए? अरे हाँ, ये चरखा हम दोनों ने मिलकर खरीदा है ना। जी हाँ। अगला पहिया मेरा है। जी हाँ। पिछला पहिया आपका। आधा बजे आइए पार्टनर। आइए पार्टनर। जी आज ये सब्जी और फूल मार्केट में तुम लेकर जाना। आप खुद नहीं चलेंगे मालिक? आज मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरा छोटा भाई आ रहा है दिल्ली से। संभल गए। और अभी कैसे हो? अपनी सुनो भैया। और भैया कैसे हैं? तू भी आ गया? बड़े गुल छर्रे उड़ाए होंगे दिल्ली में। ए पोपट, तू भैया से तू तड़ाक से बात मत कर ना भाई। अरे जानता नहीं है भैया कलेक्टर बन के आए हैं। अच्छा, टिकट कलेक्टर? अबे जाने दो रवि, जाने दो। आज इसका दोष नहीं है, इसकी पहुंच टिकट कलेक्टर तक है। अरे भैया ये खुद विदाउट टिकट है। अच्छा, ठीक है प्यारे, हम तो जब दुनिया में भी आए थे ना तो विदाउट टिकट ही आए थे। मगर ये तो मेरा लंगोटिया यार है, मैं तो उसको तब से जानता हूँ जब ये लंगोटी तक नहीं पहना। मार खाएगा, मार खाएगा। अच्छा तो लंगोटी है, मैं भैया को लेकर घर चलता हूँ, तू सामान लेकर पीछे पीछे आ जा। अरे गुड आइडिया, राम खान भैया, चलो जल्दी सामान उठाओ। मैं सामान लेकर अकेला और तुम गिव इट टू मी। अरे कुली, ओ कुली, अरे कुली, ओ कुली भाई, ओ कुली। ए कुली, ये सामान उठाओ। आप मुझे कुली समझ रहे हैं? हाँ। मैं खुद कुली को ढूंढ रहा हूँ। कुली, अरे कुली, तेरी तो कुली मर गए थे सारे कुली। भैया ये झंडिया किस खुशी में? मोहल्ले में किसी की शादी है क्या? हाँ हाँ शादी है। किसकी? आज मेरा खानदान दूल्हा बना है और तेरी कामयाबी दुल्हन। हाँ भैया, आपके लिए तोहफा लाया हूँ। ये ऊपर क्या है? छाता है भैया। ये छाते का बुरका है। और शेखर भैया, आपके लिए ये ऑटोमेटिक खड़ी बगैर चाबी की चलती है। थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं नहीं मानता, दुनिया की कोई चीज बगैर चाबी के नहीं चल सकती। हाँ बच्चों, सब के लिए सब कुछ लाया हूँ, सब कुछ लाया हूँ। रवि, वो पोपट का बच्चा किधर गया?
अरे भैया भी आता होगा। अरे तो तुम्हारा सामान पोपट ला रहा है। जी हाँ भैया। तो फिर कल तक आ जाएगा। तू आ गया? बाबी। जी तेरे को। पहले आरती तो उतार लूँ। जुग जुग जी। चल। अरे मधु, तू पढ़ लिख कर इतना बड़ा अफसर हो गया, फिर भी घर के रीति रिवाज नहीं भूला। घर में पहला कदम रखा वो भी दाया। आजा आजा चलो 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 चला। ए देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे टेलीफोन। हाँ टेलीफोन। ये जो तार है ना तार, ये तार दिल को दिल से जोड़ सकता है। अरे पसंद आया? अरे भैया। अरे मुझे मालूम था कि ये चीज तुम्हारे काम की है। लेकिन एक ही दीवार खड़ी है रास्ते में। अरे मेरा भाई मधु, एक ही रोड़ा रह गया मेरे रास्ते में। अरे वो ऐसा बुद्धू है ना, तो वो खुद शादी करता है ना मुझे शादी करने देता है। चुप रह, यू फूल। फूल? ठंडोरा क्यों पीता है यार? जरा आहिस्ता से बोल। बी केयरफुल। फूल केयरफुल। फूल केयरफुल। फूल फूल केयरफुल। फूल। अरे हाँ राम, मुझे ये बताओ कि अंग्रेजी में फूल और केयरफुल का क्या मतलब होता है? क्या ताऊ जी, फिर से जरा कहिए। भाई फूल और केयरफुल। फूल का मतलब बुद्धू, बेवकूफ और मूर्ख। और केयरफुल? हाँ समझ गया समझ गया। फूल का मतलब बुद्धू, मूर्ख और बेवकूफ, और केयरफुल का मतलब बड़ा बुद्धू, महामूर्ख और बड़ा बेवकूफ। नहीं ताऊ जी नहीं। हाँ? आपने तो सारी अंग्रेजी उलट पुलट कर दी। फूल के माने बेवकूफ और केयरफुल के माने होशियार। अरे भाई वाह, ये तुम्हारी अंग्रेजी भाषा भी अजीब भाषा है भाई। हिंदी में तो फूल फूल को ही कहते हैं, भले वो गुलाब का फूल हो भले गोभी का फूल। अच्छा एक काम करोगे, मुझे अंग्रेजी सिखाओगे? सिखाऊंगा, पर आपको मुझे मास्टर जी क्या क्या पुकारना होगा। अच्छा मास्टर जी सिखाओ। ये देखो, ए बी सी डी। डी अम्मा क्या लगा रखी है गाय की तरह? लाख बार कहा है मेरा नाम जगदम्बा है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये बताओ कि उस पोपट के बच्चे को स्कूटर खरीदने के लिए पैसे किसने दिए? मैंने। क्यों? स्कूटर खरीदने के लिए। अरे मस्करी छोड़ो, और ये बताओ कि तुमने उसे पैसे कैसे दिए? ऐसे, पहले अलमारी को चाबी लगाई, फिर अलमारी खोली, पैसे निकाले और दे दिए। अब कर लो जो करना है। मेरे हाथ तोड़ दो या मेरी गर्दन मरो। अरे बाबा मेरे ये पैसा तो वापस करो। नहीं मैं कह रहा हूँ बच्चा। ये क्या तरीका है? भारतीय नारी अब इस तरह बात करती है अपने पति से? शाबाश, ये हुई ना कुछ ज्ञान ध्यान धर्म कर्म की बात। बस बस रहने दीजिए। अब मैं इस धर्म कर्म वाली से पूछती हूँ कि भारतीय कन्या इसी तरह अपनी माँ से बात करती है? चार अक्षर अंग्रेजी के पढ़ लिए, इसे तो पर लग गए। बेटी बेटी, अरे बेटी तुम किससे माथा फोड़ रही है? जा जा जा। हाँ हाँ माथा तो मेरा ही फूटा। बेटी मिली तो ऐसी, पति मिला तो तुम था। बेटे को आधा स्कूटर क्या खरीद दिया, जैसे बैंक पे डाका डाल दिया। संभालो अपने बैंक की चाबियां, मैं चली मायके। अरे इसी बात का तो रोना है कि औरतें बात बात में मैके जाने की धमकी देती हैं, मर्दों का कोई मैका नहीं जहाँ वो जा सके। मैं तो ये कह रहा था अम्बा, अरे स्कूटर तो गधे से भी बुरी सवारी है, और वो तुम्हारी आंख का तारा तो गधों से भी ऊंचा गधा है। अगर वो किसी लारी या ट्रक के नीचे आ गया तो उसका क्या होगा? वो गधा है पूरा मेरा नहीं, आधा तुम्हारा भी है। अब मैं एक बात तुमसे पूछूं? पूछो। आदमी का बाप कौन होता है? आदमी। और शेर का बाप? शेर। और गधे का बाप कौन होगा? गधा। गधा। देखा औरतें कितनी आसानी से मर्दों को गधा बनाती हैं। अरे बाबा बाबा। हेलो नीलू। हाय रवि, क्या कर रहे हो? बस वही जो रोज करते हैं, तुम्हारे याद में तकिए से लिपट कर सो रहे हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई, शर्मा गई? और क्या, तुम्हारी तरह बेशर्म तो नहीं हूँ। काश हमारे पर होते तो हम इसी वक्त उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाते। क्यों? तुम्हारे गालों पे शर्म की गुलाबी देखते हाय, अब तो ये गुलाबी लाली बन गई होगी। नीलू डार्लिंग आई लव यू। अब तुम्हें क्या मालूम मेरे होठों पे कैसे अंगारे दहक रहे हैं। अगर तुम्हें अपने रूप का इतना घमंड है तो मुझे भी अपने प्यार का अभिमान।
क्या हुआ रवि, नाराज हो गए क्या? तुम्हें क्या बताऊं, मेरे होठों पे भी अंगारे दहक रहे हैं। लो बुझा लो अपने होठों की आग। अरे तुम अब भी नाराज हो? अच्छा तो एक बार और सही। अबे ओ फायर ब्रिगेड, अरे ये कैसी आग लगी है तुम्हें जो पूछे में नहीं बुझती है? किसने लगाई है? बोल 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 बबुआ क्या? अरे किसने लगाई है आग ये? आ गुंगा हो गया क्या? कौन है वो है? ओ समझ गया। अरे मंसूर साहब बड़ा तेज निकल रहा है तो आजकल है। घबराने घबराने, हड़ताल हड़ताल हमें करनी पड़ेगी। दौलत के पास लाख हथियार होते हैं गरीबों को मारने के लिए, गरीब मजदूर के पास सिर्फ एक ही औजार होता है, हड़ताल। हड़ताल। क्या कहा? मजदूर हड़ताल करना चाहते हैं? जी हाँ, वो भी अपनी जगह मजबूर हो गए। पिछले 3 महीनों से उन्हें सिवाय झूठे वादों के और कुछ नहीं मिला। और सेठ जी, मजदूर का खाली पेट झूठे वादों से बिल्कुल नहीं भरता। मैं क्या करूं शेखर, मैं अपनी जगह मजबूर। तुम तो जानते हो कंपनी की माली हालत कितनी खराब हुई है। मैं अपनी तरफ से चारों तरफ हाथ पांव मार रहा हूं। एक जगह से मुझे उम्मीद दी गई है, एक पार्टी है बहुत बड़ी जो लाखों रुपए डालने के लिए तैयार है। शेखर, इस वक्त हड़ताल हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ता हूं शेखर, तुम मजदूरों को समझाओ, मुझे बचा दो। आप इस तरह से हाथ न जोड़िए, मैं आपसे वादा करता हूं मैं मजदूरों को समझाने की कोशिश करूंगा। शेखर जी, तुम्हें मुबारकबाद देना ही भूल गया। सुना तुम्हारा भाई बदो आईएएस पास हो गया? जी हाँ, और अब तो इसी जिले का कलेक्टर भी हो गया है। अच्छा, तो हमें मिलाना उसे। इस छोटे से शहर में ऐसे लोग है ही कितने जिससे आदमी मिल बैठ सके। एक काम करो, आज शामी को उसे ले आओ मेरे यहाँ, साथ बैठ के चाय पियेंगे। जी बहुत अच्छा, जरूर लाऊंगा। राम अपना सबक सुन ले जो तूने मुझे पढ़ाया। साहू जी, जो पढ़ाता है उसे मास्टर जी कह के पुकारते हैं। अच्छी बात है। तो मास्टर जी मेरा पाठ सुन लीजिए और फिर मुझे छुट्टी दीजिए, बहुत भूख लगी है। अच्छा सुनाओ। ए बी सी एक्स वाई जेड। बस इतना ही? बीच का सब खा गए, इतनी भूख लगी है क्या? मास्टर जी, जिसको शुरू का याद है और फिर आखिर का भी याद है तो बीच का तो याद होगा ही। नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, आपको सबक याद नहीं है। आप सीधी तरह बेंच पे खड़े हो जाइए। बेंच पे खड़े हो जाइए, क्या मतलब? लो बाबा लो। हाथ ऐसे करो। लो बोलो। ए ए बी बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। लुक। लुक का मतलब मैं जानता हूँ, लुक का मतलब देखो। मदर। हाँ मदर का मतलब भी जानता हूँ, माँ माँ। अरे मेरी माँ को अपनी माँ कह रहे हो? ऐसे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। खुशी तो हमें हुई है साहब, आपने हमारे शहर का नाम रोशन कर दिया। 100 साल में पहली बार इस शहर का एक आदमी कलेक्टर बन गया। थैंक यू। शोभा शोभा। आई डैडी। आओ बेटी, इनसे मिलो, ये हमारे जिले के नए कलेक्टर। नमस्ते। हमारे सुपरवाइजर साहब के छोटे भाई मिस्टर मधु, यह है मेरी बेटी शोभा। मैं तो इन्हें कॉलेज से जानती हूँ। बेटी कलेक्टर साहब को अंदर ले जाओ, चाय का बंदोबस्त करो। मैं? आप चलिए, आप चलिए, हम दोनों कारखाने के बारे में कुछ बातचीत करके अभी आते हैं। हाँ मधु तुम जाओ। आइए आइए बैठिए ना। थैंक यू। मिस शोभा आंख उठा कर देखिए। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। शोभा और मधु की जोड़ी कैसी लगी आपको? जी आप समझे नहीं, मैं एक निहायत ही अजीज रिश्ते का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ आपकी तरफ। मेरी इकलौती बेटी शोभा का दामन सदा के लिए आपके भाई मधु के हाथ सौंपना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है
आप मुझे निराश नहीं करेंगे। सेठ जी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, लेकिन आपको इस रिश्ते के लिए हमारे बड़े भैया से मिलना होगा। मैं कब दर्शन कर सकता हूँ आपके बड़े भैया के? देखिए सेठ जी, कल इतवार है और हम सब लोग हर इतवार को दोपहर का खाना अपने फार्म में खाते हैं और फिर सारा दिन वहीं खेतों में गुजार देते हैं। एक तरह की पिकनिक हो जाती है, बड़ा मजा आता है। आप भी ऐसा कीजिए ना, कल लंच हमारे साथ खाइए फार्म पे, शोभा जी को भी ले आइए और इसी बहाने बड़े भैया से बातचीत भी हो जाएगी आपकी। वेरी गुड, कल हम जरूर आएंगे। सर जी, ये धरती हमारी माँ है, हम सब इसकी गोद में बड़े हुए हैं। भगवान की दया से हम चार भाई हैं, मगर हमारा परिवार एक है, हमारा संसार एक है। हाँ। क्या है? खाना तैयार है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आते हैं। आइए भैया। अरे ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? है ये पपैया मैंने तोड़ा है, तो तोड़ने से क्या होता है, इसमें तो मेरा भी हिस्सा है। ओ राम, ये हिस्से की बात तू कहाँ से सीख कर आया है? बेटे हमारे घर में जो कुछ है वो सब का है, यहाँ कोई हिस्सेदार नहीं, सबके सब मालिक हैं, भाई हैं। यहाँ पर प्यार की हुकूमत है, नफरत का राज नहीं बेटे। नफरत अंदर आ नहीं सकती, बाहर प्रेम का पहरा है। सारी दुनिया से सुंदर मेरा संसार सुनहरा है। इस घर में कोई दीवार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं, हम एक हैं, हम एक हैं भाई चार नहीं। इस घर में कोई दीवार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं। पर्वत के पांव में पीपल की ठंडी छांव में, ऊंचे पर्वत के पांव में पीपल की ठंडी छांव में, सब कहते हैं इस गांव में हम सा कोई परिवार नहीं। इस घर में कोई दीवार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं। कहते हैं खेत ये सरसों के, ये रिश्ते नहीं कल परसों के। कहते हैं खेत ये सरसों के, ये रिश्ते नहीं कल परसों के, हम सब साथी हैं बरसों के, ये चार दिनों का प्यार नहीं। हम एक हैं, हम एक हैं भाई चार नहीं। इस घर में कोई दीवार नहीं। ये अपना बाग बगीचा है, पत्थर से पानी खींचा है, ये
अपना बाग बगीचा है, पत्थर से पानी खींचा है, फूलों को लहू से सींचा है, ऐसा कोई गुलजार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं, हम एक हैं, हम एक हैं भाई चार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन, सिट डाउन। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अबाउट इंडियन म्यूटिनी, जो भारत की आजादी की पहली टग ऑफ वॉर थी। मैं ये जानना चाहता हूं ये रॉकेट यहां पे कैसे आया? ऐसे पोपट, जिस तरह ये रॉकेट यहां पे आया है, टू बी वेरी फ्रैंक, उसी तरह तुम भी यहां से वहां चले जाओ। यस सर। हेलो, नाउ देयर, आउट आउट आउट। यस सर, मैं जा रहा हूं सर, सॉरी सर। 1857 में पहली बार हिंदुस्तानी सिपाही हाथ में बंदूक लेकर, टू बी वेरी फ्रैंक, अंग्रेज की तोप के सामने खड़े हो गए और उन्होंने डर के मारे अपना हक मांगा। रवि, व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं सर। गेट अप, 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 इधर आओ, ये कागज यहां लाओ, जल्दी करो, गिव टू मी। ओह, ये पढ़ाई हो रही है, हिस्ट्री की जगह प्रेम पत्र पढ़े जा रहे हैं। तुम यहाँ कॉलेज में पढ़ने आते हो या प्रेम करने आते हो? सर, आप पोपट की तरह मुझे भी क्लास के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। डोंट यू थिंक कि जंग करने से प्रेम करना ज्यादा अच्छा है? टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये खत प्रिंसिपल साहब को दिखाना चाहता हूँ, फैसला स्मॉल कॉजेस कोर्ट में होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, क्लास इज ओवर नाउ। पोपट, गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? नीलू मुझे प्रेम पत्र लिख के दे रही थी, प्रोफेसर ने पकड़ लिया। ओहो, तो इसकी सजा फांसी थोड़ी होती है यार। अरे, तो समझता नहीं है, वो लेटर प्रिंसिपल के कमरे में लेके जा रहा है। प्रिंसिपल के कमरे में लेके जा रहा है? हाँ। अरे माय गॉड, इस वक्त कहाँ है वो लेटर? प्रोफेसर रविंद्र बोस के कोट की ऊपर की जेब में। कोट की ऊपर की जेब में? हाँ। ये तो प्रॉब्लम है यार। क्या किया जाए? बन गया काम प्यारे, प्रोफेसर की प्रोफेसरानी आ रही है। तू जरा सिगरेट पकड़, मैं काम करता हूँ। पकड़ 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 भाई यार। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, जीते रहो, क्लास खत्म हो गई? जी। प्रोफेसर साहब कहाँ है? मैं उन्हें लेने आई हूँ। ओ, क्लासेस तो कब की खत्म हो गई? लेकिन प्रोफेसर साहब जरा बिजी हैं। बिजी हैं? जी। किस चीज में? आंटी जी, आप तो जानती हो ये गर्ल्स एंड बॉयज का मिक्स कॉलेज है, तो वो प्रोफेसर साहब शाम को क्लासेस के बाद लड़कियों को कुछ स्पेशल ट्यूशन देते हैं। क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ मैडम, इट्स ए फैक्ट। आजकल प्रोफेसर साहब बड़े रोमांटिक हो रहे हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक, उनका नया नया इश्क भी शुरू हो गया है। किसके साथ? देखिए आंटी जी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, किसी को बताइएगा मत। एक लड़की है 13-14 साल की, वो आपकी पोती के बराबर होगी, वो रोज इनको प्रेम पत्र लिखती है और प्रोफेसर साहब भी उसका जवाब देते हैं। इसका सबूत फौरन मिल जाएगा। आज ही मैंने अपनी आंखों से देखा, उस लड़की ने इनको चिट्ठी लिखी, प्रोफेसर साहब तक पहुंचाई और उन्होंने अपनी कोट की ऊपर की जेब में रख ली। मैंने देखा है, वो आ रहे हैं। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। आने दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपकी मिसेज आपका वेट कर रही है। राइट राइट। स्वीट ड्रीम्स सर। हेलो डार्लिंग,
To be very frank, आज जरा मुझे देर होगी. Please move. हाँ हाँ देर तो होगी. चलो अंदर आकर बैठो. चलो. फिर मेरी बेइज्जती कर रही हो? बैठो. बेइज्जती करो. क्लास के बाद लड़कियों को स्पेशल ट्यूशन देते हो? देने ही पड़ती है. To be very frank, कुछ स्टूडेंट्स का दिमाग तुम्हारी तरह कमजोर होता है. कमजोर होता है? हाँ. अरे क्या कर रही हो? आज तो पगार का दिन नहीं है. मुझे मालूम है. ये क्या है? My dear रवि, ये खत, to be very frank, ये किसी ने किसी को लिखा है. ये खत किसी ने किसी को नहीं लिखा, तुम्हें लिखा है. अब तुम रविंदर बोस से माई डियर रवि बन गए हो. तुम घर चलो, निकालती हूँ तुम्हारी पर पत्थरी. साइलेंस साइलेंस, इट इज स्पेशल ऑफ माय रेपुटेशन. यू डैडी फूल इडियट. तो कुछ नहीं हो रही है. ये बात सुनो, ये तुम्हारी गाड़ी को जा रही है. ये बात सुनो, ये तुम्हारी चौखट के अंदर पहले दायां पांव रखते हैं. आओ. बहन तुम मधु के साथ बैठो. भाभी हमारे घर में जहां खाना खाते हैं वहां लोग जूते नहीं लाते. अरे तू चुप रह रवि, वो बेचारी घर में नई नई आई है. हम फर्श पर बैठकर खाते हैं, उसको मेज कुर्सी पर बैठकर खाने की आदत है. भैया. हाँ तुम चुप रहना यार. अरे बैठना यार, बैठो. चलो चलो चलो, बैठो बैठो, खाना खाओ. सब खाओ 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 खाओ. शुरू करो भाई, खाना शुरू करो. पिताजी लड्डू नहीं, उसमें शक्कर ज्यादा है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी. है बच्चों, यहाँ बाथरूम कहाँ है? बाथरूम वो क्या होता है? जहाँ लोग नहाते हैं. अच्छा, मेरे साथ आओ चाची. ये देखो. ये क्या है? हमारा कुआं और तुम्हारा बाथरूम. यहाँ तो सारी दुनिया देख सकती है. मैं तुम लोगों की तरह बेशरम नहीं हूँ. अरे भाभी हम भी बेशरम नहीं है. हम नंगे नहीं नहाते. लेकिन कपड़े पहन के कोई कैसे नहा सकता है? बाबुल के घर के बाती की गली आती है, देवर भाभी में छेड़ चली आती है. हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी, तू क्या है मेरा भी. बाबुल के घर के बाती की गली आती है, देवर भाभी में छेड़ चली आती है. बड़े घर की बेटी फैशन की मारी,
बड़े घर की बेटी फैशन की मारी, आन फंसी है कहाँ बेचारी, आन फंसी है कहाँ बेचारी। ये क्या हाल हुआ, मुखड़ा लाल हुआ, गुस्से में जान जली जाती है, देवर भाभी में छेड़ चली आती है। चाहे गिर जाए पर नीचे न देखे, चाहे गिर जाए पर नीचे न देखे, घूम के मुड़ के वो पीछे न देखे, घूम के मुड़ के वो पीछे न देखे। बड़े अंदाज से वो चली इस नाज से वो, जैसे हवा में उड़ी जाती है, देवर बाबी में छेड़ चली आती है। बाबुल के घर के बाती की गली आती है, देवर भाभी में छेड़ चली आती है। बड़ा आराम किया शादी से पहले, बड़ा आराम किया शादी से पहले, छोड़ के बाबुल के महले तो महले, छोड़ के बाबुल के महले तो महले। हुए दिन रात पड़े सर पे काम पड़े, नाजुक कमरिया झुकी जाती है, देवर भाभी में छेड़ चली आती है। हम जो तुझे बाबुल के घर के बाती की गली आती है, देवर भाभी में छेड़ चली आती है। शेखर, आप हैं मिस्टर मोहन रानी पद्मावती के खास सेक्रेटरी, आप हैं शेखर हमारे मिल के सुपरवाइजर। हाउ डू यू डू, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शेखर, ये हाथ मिलाने के नहीं चूमने के काबिल है, इन्होंने हमारी मिल को बंद होने से बचा लिया। अजी, ने तो भगवान ने भेजा है हम सबकी रक्षा के लिए। उन्होंने गीता में वचन दिया था ना कि जब जब भक्तन पर पीर पड़ेगी तब तब मैं धरती का भार हरूंगा। अभी तो आप लोग रानी पद्मावती से नहीं मिले, वो साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप है। अजी सुना है, वो तो पारस है, पारस ये तो हमारे शहर की किस्मत है जो उनके चरण कमल यहाँ पर आके पड़ेंगे। अरे बड़ी मिट्टी भी सोने के भाव बिकने लगेगी। सेठ चमनलाल जी, रानी पद्मावती की ख्वाहिश है कि मिल बेचने के बाद भी मिल का इंतजाम आपके हाथ में रहेगा। मिल बेचने के बाद? सेठ जी, क्या आपने मिल बेच दी? मगर आप तो कह रहे थे कि आपके साथ कोई हिस्सेदार आ रहा है, ये आपने अच्छा नहीं किया। सेठ जी, मजदूरों की तनख्वाहें और उनके बोनस का क्या होगा? उसके लिए किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जिन्होंने मिल खरीदी है वो उसे चलाना भी जानते हैं। रानी पद्मावती को अच्छी तरह मालूम है कि किसके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए। होंठों पे अंगारे दहक रहे थे और आज मेरे होंठ जल रहे। आग कुछ कम हुई? इसे तो और भड़क उठी। अब कैसा लगा? ऐसे जैसे चलती हुई तपती हुई दोपहर को शाम अपने ठंडे आंचल में ले ली। अब तुम सो जाओ रवि। मैं नहीं सो सकता, मैं इंतजार कर रहा हूँ। किस चीज का? इनाम का। ओह अच्छा, तो ये लो अपना इनाम। अरे फो फो क्या फूल? फूल नहीं, फोन फोन। अरे फोन, तुम हंस रहे हो शंकरलाल? अरे भाई, हम तो पैदा ही हंसने के लिए हुए हैं, रोने के लिए तुम्हें छोड़ रखा है। तुम हंस सकते हो शंकरलाल, आग तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। आग? कैसी आग?
ये तार देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। ये तार नहीं फलीता है, फलीता बारूद मेरे घर में बिछा है और दिया सलाई तुम्हारे घर से दिखाई जा रही है। मैं अब भी कुछ नहीं समझा। ठहरो मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये बात तुम लड़के के भाई हो और मैं लड़की का बाप हूँ। ये तारे दिन रात खटकती रहती है, अगर इनमें से एक लफ्ज भी फिसल कर शहर में चला गया तो मैं बाजार में दो कौड़ी का नहीं रहूंगा, समझे? मगर तुम हमारे लिए फिर भी करोड़ों के रहोगे सेठ भंवरलाल। हमारे सर के ताज, हमारी बहू के बाप, हमने जो वचन दे दिया दे दिया। अब तुम सारे शहर में नकारा पीट कर कह सकते हो कि रवि नीलू का है और नीलू रवि की। वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये तारे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इन्हें किसी तरह काट डालो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हम तारे जोड़ना जानते हैं, काटना नहीं। तो मैं काटता हूँ। भैया। हाँ क्या है मधु? ये मेरी पहली तनख्वाह है, आप रख लीजिए। तुम्हारी पहली तनख्वाह? जी भैया। अरे इतने ढेर सारे नोट हैं? ये लो, समझो कि मैंने रख ली। इस तरह नहीं भैया, इसे मुझे आपके आपके चरणों में रखने दीजिए। भैया मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मंदिर में भगवान के चरणों में फूल चढ़ा रहा हूँ। अरे पागल, अगर फूल ही चढ़ाने हैं तो जाकर घर की लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाओ, जिसने तुम्हें माँ की तरह पाला है और माँ का प्यार दिया है। जेठ जी, आपने अपने भाइयों को बाप का प्यार नहीं दिया? हाँ दिया है, मगर माँ का प्यार कुछ और ही होता है। मैंने 100-100 बरस के बूढ़े मरते देखे हैं, उस वक्त भी उनके होठों पर माँ का नाम होता है, बाप का नहीं। बड़ों की बड़ाई इसी में होती है, वो एक बात से छोटों को बहुत बड़ा बना देते हैं। लो भाभी, ये मेरी पहली तनख्वाह, लो। समझ लो मुझे मिल गई, जाके मेरी बहू को दे आओ। जानते हो पत्नी को कितनी खुशी होती है अपने पति की तनख्वाह अपने हाथ में लेके। नहीं भाभी, इसे अपने पास रख लो। नहीं भाभी, मैंने तुमसे कहा ना जाके दे आओ, जब मुझे जरूरत होगी मैं बहू से ले लूंगी। अरे जाओ ना। शोभा, बिल्कुल बचपना नहीं गया। बीएटी बैट, बीएटी बैट, एचएटी हैट, एचएटी हैट, सीएटी सैट। ए गर्ल माय इंग्लिश गुड गुड, ए पी टू ई पुट, बी यू टी बुट, सी यू टी सुट। ए गर्ल, हाँ भाई खामोश हो पाएंगे, आए कुछ कुछ टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, वो शर्माओ पाएंगे। हाँ हम जानता है कि तुम और हमारा छोटा भाई दोनों टेलीफोन। ए भाई हिंदी हिंदी, इंग्लिश आना, इंग्लिश बोलना। आई नो यू एंड माई लिटिल ब्रदर टेलीफोन इन लविंग लाफ्टरिंग किसिंग साउंड दिस। भाई 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 बोल। आई एंड रवि लविंग मैरिजिंग, वाई यू मिडिल स्टैंडिंग? आई नो मिडिल स्टैंडिंग, योर बाप मिडिल स्टैंडिंग। माय बाप मिडिल स्टैंडिंग? यस यस। देन वाई यू फोन वायर कटिंग? आई नो कटिंग, आई जॉइनिंग जोड़ो फाइन योर बाप कटिंग कटिंग वायर कटिंग हेयर कटिंग। माय बाप कटिंग? यस यस। आई डूइंग यू और रवि बेडिंग बेडिंग बेडिंग। यस यस बेडिंग। नो 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 बेडिंग बेडिंग शादी शादी। थैंक्स, आप वेरी वेरी गुड। गर्ल गुड, रवि गुड, आई गुड, नो ट्रबल, बट इंग्लिश लेसन बुक ट्रबलिंग। शंकर लाल जी, शंकर लाल जी। भाव शंकर लाल जी, जय राम जी की, जय राम जी की, राम राम राम। आज राहू केतु दोनों कटे ही। और ये शंकर लाल जी, आज तारीख क्या है भला? भाई कैलेंडर में तो पहली है, मगर आपका बही खाता क्या कहता है? आपकी गीता रामायण वेद सब बही खाता ही तो है। जी 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 जी, शंकर लाल जी, लेन देन के मामले में गीता रामायण वेद को मत ले आओ। मेरी सीधी बात तो ये है कि आज आपका सूद भरने का दिन है। आहिस्ता बोलो, चिल्लाते क्यों? सूरी है ना, करो अभी आ रहा मैं। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अभी आई। आ देखो ऊपर जाकर मधु से 250 रुपया लाओ, सौकारों को सूद देना है। अभी ले। मधु, क्या बात है भूभी? तुम्हारे बड़े भैया ने 250 रुपए मंगवाए हैं, किसी को देने हैं। अभी देता हूँ। शोभा, कल मैंने तुम्हें अपनी तनख्वाह दी थी ना, उसमें से 250 रुपए लाना। ओ, 500 की तो मैंने कल साड़ियाँ खरीदी है। मुझे क्या मालूम था तुम्हारी भाभी को आज ऐसी जरूरत पड़ेगी। हाँ,
10-20 रुपए से काम चल सके तो मैं अलमारी में देखती हूँ। रहने दो बहू, 10-20 रुपए से घर का कोई काम नहीं चल सकता। ठहरो भाभी। शोभा, तुमने 500 की साड़ियाँ खरीद ली, किसी से पूछा तक नहीं। मुझे क्या मालूम था, तन ढापने के लिए दो चिथड़े खरीदने हो तो सारे खानदान की इजाजत लेनी पड़ती है। शोभा, रहने दो बंधु, इसमें बहू का कोई दोष नहीं। ये बेचारी बड़े घर से आई है जहाँ थैलियों के मुंह हमेशा खुले होते हैं। चमनलाल, रानी पद्मावती को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ये नारे, ये झंडियां, ये सब फिजूल खर्ची। मेहरबानी करके कारखाने की सारी चाबियां रानी पद्मावती को हवाले कर दीजिए। प्लीज, ये रानी पद्मावती का हुक्म है। और सुनिए, रानी पद्मावती ने ये फैसला किया है कि कारखाना बंद किया जाए, और कारखाना बंद होने के बाद मजदूरों की पिछली तनख्वाह, उनके बोनस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। That's all. तो ये एक चाल थी जो एक सेठ ने एक रानी के साथ मिलकर मिलके गरीब मजदूरों के साथ खेली। मुझे क्या मालूम था कि रानी पद्मावती के दिमाग में क्या है। आपको इसी वक्त बताना होगा कि इन गरीबों की तनख्वाहें कौन देगा और कब। मेरे हाथ में अब है क्या, मैं तो अपने हाथ काट के दे चुका हूं रानी पद्मावती को। समझा सेठ जी, आपने सिर्फ अपने ही हाथ काट के नहीं दिए, इन गरीबों का गला भी काट के दे दिया है रानी पद्मावती के हाथ में, जिन्होंने बरसों आपके पसीने पे अपना खून बहाया है। जो खुद तो भूखे रहे मगर आपका कारखाना चलाते रहे आपका पेट भरने के लिए। जय चमनलाल, मुर्दाबाद। जय चमनलाल, मुर्दाबाद। जय चमनलाल, मुर्दाबाद। जय चमनलाल, मुर्दाबाद। चलो जाओ मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपनी ताकत को जाया मत करो। अब हमको सिर्फ एक ही दरवाजा खटखटाना है, रानी पद्मावती का दरवाजा। आओ मेरे साथ। रानी पद्मावती, रानी पद्मावती, शेखर बाबू, शेखर बाबू, बाबू। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं मालकिन से बात करके अभी आता हूं। ठहरिए, आप कहां जा रहे हैं। मुझे रानी पद्मावती से मिलना है। आपको जो कुछ भी बात करनी है मुझसे कीजिए। आपसे? जी हाँ, मैं मालिकों से बात किया करता हूँ, सेक्रेटरी या एजेंटों से नहीं। कौन है आप? कि मैं आपके कारखाने का सुपरवाइजर चंद्रशेखर और लेबर यूनियन का लीडर। लीडर? लीडर और मदारी में कोई फर्क नहीं होता, एक डुगडुगी बजाकर लोगों को बुलाता है, दूसरा नारे लगाकर। हमें इन दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं। ना सही, मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि आपने कारखाना क्यों बंद कर दिया। हमारी मर्जी। रानी साहिबा, आप अपनी मर्जी से अपनी दौलत से कारखाना खरीद सकती हैं, मगर उसे बंद नहीं कर सकती। क्यों नहीं? इसलिए दौलत से कारखाने खरीदे तो जा सकते हैं, मगर वो चलते हैं मजदूर के खून और पसीने के जोर पर। आपने कारखाना खरीदा है, मजदूर नहीं। रुपया क्या क्या खरीद सकता है हमें तुमसे नहीं सीखना, हमें अच्छी तरह मालूम है। मगर आपको एक बात मालूम नहीं रानी साहिबा, कि आज जमाना बदल चुका है, और इस बदले हुए जमाने में मजदूर के पेट की आग महल और कारखाने तो क्या सारी दुनिया को जला के राख कर सकती है। शट अप,
मिस्त्री, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। चला चला रानी साहिबा, गरीबों की आंखों से डरिए। चला बकवास बंद करो। क्या हुआ शेखर बाबू आपके साथ और ऐसा सलूक? हाँ, पैसे वाले गरीबों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं बिहारी। रानी पद्मावती मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। अब अपने हक के लिए तुम्हें खुद ही लड़ना होगा। लड़ेंगे शेखर भैया, जरूर लड़ेंगे। इनकलाब की आंधी को अब कोई नहीं रोक सकता। चलो भाई। हाँ, चलो, चलो भाइयों। हम जानना चाहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। कारखाना क्यों बंद किया गया? कारखाना जो आज बंद किया गया है वो कल खुल भी सकता है। अपनी मांगें पेश करो। शोर मत मचाओ, एक एक करके अपनी मांगें पेश करो। हमारी 3 महीने की तनख्वाह बाकी है, वो फौरन अदा होनी चाहिए। दूसरी मांग? मिल के पिछले मालिक ने ऐलान किया था कि 2 महीने की तनख्वाह हमें बोनस में मिलेगी। हम जानना चाहते हैं वो बोनस हमें कब मिलेगा। तीसरी मांग? तीसरी मांग हमारे प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस की है। बस इतनी छोटी सी बात के लिए इतना शोर मचा रहे हो? तुम्हें तनख्वाहें मिल जाएंगी। तुम लोग 2 महीने का बोनस मांग रहे हो, हम तुम्हें 3 महीने का बोनस देंगे। दिवाली का बोनस अलग। ये सब कब मिलेगा हमें? आज ही। लेकिन रानी साहिबा, हमारे प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस का क्या होगा? प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस तो मामूली चीजें हैं। हमने फैसला किया है हमारे मजदूर पुरानी झुग्गियों और गंदी झोंपड़ियों में नहीं रहेंगे। हम उनके लिए नए क्वार्टर्स बनवाएंगे। नए क्वार्टरों के अलावा अस्पताल और स्कूल भी खोले जाएंगे, जहां बीमारों का मुफ्त इलाज किया जाएगा और बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाएगा। रानी पद्मावती, रानी पद्मावती, रानी पद्मावती। लेकिन एक शर्त पर, हम चंद्रशेखर को नौकरी से निकाल देंगे और उसे तुम्हारा लीडर नहीं मानेंगे। मंजूर है? सोच लो, एक तरफ सिर्फ एक मामूली आदमी की लीडरी और दूसरी तरफ सैकड़ों खानदानों की भूख और बेकारी। बोले तुम्हें क्या चाहिए? फैसला तुम्हें करना होगा। हमने फैसला कर लिया है, हम हड़ताल करेंगे। रानी पद्मावती, तो बिहारी कोई बात नहीं बनी? नहीं शेखर बाबू, ये घी सीधी उंगली निकलने वाला नहीं। मगर वो चाहती क्या है? वो चाहती है कि हमारे रास्ते की रोशनी हमेशा के लिए बुझा दी जाए, ताकि हम लोग अंधेरे में भटकते रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि वो कारखाना फिर से चलाने के लिए तैयार है हमारे लिए, मगर आपके बगैर। समझ में नहीं आता उन्हें आपसे क्या बैर है। शेखर भैया, हम आपके बगैर काम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम लोग हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे। गुड मॉर्निंग रानी। गुड मॉर्निंग। तुमने पुराना हिसाब किताब अच्छी तरह देख लिया कारखाने का? जी हाँ, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन गोदाम में से 1,00,000 रुपए का सामान गायब है। कहीं ना कहीं किसी ने कोई गलती की है। 1,00,000 रुपए का सामान गायब होना गलती नहीं होती, गबन होता है। गोदाम का इंचार्ज कौन था? कारखाने का सुपरवाइजर मिस्टर शेखर। ओ, मिस्टर शेखर। मिस्टर मोहन, इस बारे में मुझे सारी डिटेल्स ला कर दो। जी अच्छा। हम तो उसे बहुत शरीफ आदमी समझते थे। शरीफ आदमी? देख ली उसकी करतूतें। रानी साहिबा, हम तारे पांव पड़ के भीख मांगते हैं। जिस तरह आपने फैक्ट्री को बचा लिया, हमको भी बचा लो। अरे हमने तो बहुत सा कर्जा दे रखा था शेखर के भाई को, उसकी जमीन के लिए, उसके मकान के लिए। वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले उस मुजरिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रानी साहिबा, किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया जा रहा है? है एक बेईमान, आपका पुराना नौकर। ये कौन है आपके साथ? ये है मेरी बेटी शोभा। ओ, नमस्ते।
मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी भी हुई और दुख भी। मुझे तो तरस आता है तुम पर। सेठ चमनलाल को कोई दूसरा घर नहीं मिलता था तुम्हारे लिए। मैंने तो सिर्फ लड़का देखा था, घर नहीं। घर आपको पहले देखना चाहिए था, जिस तरह हिसाब की किताबें आपको पहले देखनी चाहिए थी। आपको मालूम है आपके पुराने सुपरवाइजर मिस्टर शेखर ने 1,00,000 रुपये का गबन किया है। नामुमकिन, शेखर गबन नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है मगर आप मानना नहीं चाहते, क्योंकि आपने एक मुजरिम के भाई को बेटी दी है ना। भाई कमाल का घर है जहाँ चोर भी रहते हैं और कोतवाल भी। हमने तो सुना है शोभा का पति बहुत बड़ा अफसर है। जी हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। लेकिन वो कलेक्टर चपरासियों से अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। जब एक आदमी कमाने वाला होगा और 100 मुंह खाने वाले होंगे, उस वक्त लोग भूख बांट सकते हैं, दौलत नहीं बांट सकते। और दौलत कमाने वाला तो सिर्फ तुम्हारा पति है। मैं तो कहती हूँ शोभा, तुम कोई दूसरा घर ले लो जहाँ तुम और तुम्हारा पति दोनों खुशी से रह सको। ले लो। अच्छा शोभा, मिलती रहना। इस शहर में लोग ही कितने हैं जिनसे मिलकर 2-4 बातें कर सके, है ना? लो। इसका मतलब जानते हो तुम? हमारा सवाल था रोटी और मालिकों का जवाब है गुस्ताख ताला। इसके बाद जाने कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे हमारे खिलाफ। हमारे पास भी दूसरे हथियार तैयार हैं। शंकर लाल जी, मारे माल का क्या बनेगा? अरे मिल जाएगा, कल आकर ले जाना। कल? अजी कल किसने देखी? अगर तुम्हें कल तक भी जीने का भरोसा नहीं तो अभी ले जाओ। यही खड़ा रहा है, बस बस। ओ मधु, नीचे साहूकार आए हैं, जरा अपनी तनख्वाह ला, उनका मुंह बंद करो। अभी लाता हूँ भैया। शोभा, यहाँ तो हर रोज वही होता है। मैंने कि हर पहली तारीख को वही ड्रामा। तनख्वाह घर में पहुँचे नहीं कि लोग इस तरह झपटते हैं जैसे मांस के टुकड़े पर गिद्ध और चिले। ऐसा बोलो, भैया सुन लेंगे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यहाँ 2 हाथ कमाते हैं, 100 हाथ खर्च करते हैं। इस तरह तो बैठे नदियाँ सूख जाए। शोभा, सीधे तरह से अलमारी खोलो और पैसे निकालो। खोलती हूँ भैया। शोभा पैसे ला रही है। ये लो तनख्वाह और दे दो अपने भाई को। लेकिन मैं इनसे पूछती हूँ, ये कर्ज अदा नहीं कर सकते थे तो इन्होंने कर्ज उठाया क्यों? चुप रहो शोभा। बहुत ठीक कहती, जब मैं कर्ज अदा ही नहीं कर सकता था तो मैंने कर्ज उठाया ही क्यों? आप में इतनी शान थी तो मेरे पति के सामने हाथ फैलाने क्यों आए थे? ओ, ये तो मैं भूल ही गया था कि अब मधु तुम्हारा पति है, मेरा कुछ नहीं। भैया लो भैया। ये तो तुम्हारे सुहाग की चूड़ियां हैं। मेरा सुहाग सलामत रहे, चूड़ियां फिर आ जाएंगी। नहीं नहीं लक्ष्मी, नहीं, मैं तुम्हारे हाथ के गहने उतार कर अपना कर्ज नहीं चुकाऊंगा। देखिए, जेब से गिरा हुआ पैसा हाथ में वापस आ सकता है, लेकिन बाजार में उछली हुई पगड़ी सर पे वापस नहीं आती। और ये गहने आपकी पगड़ी से ज्यादा कीमती नहीं। आज आप ना न कहिएगा, आपके ना मुझे मार डालेगी। तुम इतना क्यों नहीं सोचती बहू, आज मेरी हम मुझे मार डालेगी। मैं इस वक्त कुछ नहीं सोच सकती, सिर्फ आपके पांव में गिर के भीख मांग सकती हूँ। आपसे इतना ही कह सकती हूँ
कि आप इसे देख के अपनी इज्जत बचाइए। आपकी इज्जत सारे खानदान की इज्जत है। ये लो, मगर मेरी एक प्रार्थना है, इसे नीलाम नहीं करना। मैं जब भी आप लोगों के पैसे सूद समेत लौटा दूं, तो मेरे घर की इज्जत मुझे वापस कर दे। अगली तनख्वाह कलेक्टर की मेम साहब, सीधी तरह पैसे निकालो। कौन से पैसे? कौन से पैसे? अभी बताता हूं। ये पैसे। तुम्हारी ये जरूरत? तुम मेरे सामने जबरदस्ती मेरे ही पैसे निकाल रहे हो। और मैं तुमसे पूछती हूँ जी, तुम बाहर कलेक्टरी क्या करोगे? अपने घर के अंदर अपने भाई को डाका डालने से नहीं रोक सकते। अरे ये क्या बोलेगा जोरू का गुलाम, जिसके मुंह पे तुम्हारा ताला लगा हुआ है और पांव में तुम्हारी बेड़ियां है। रवि, तुम अपनी हद से परे जा रहे हो और तुम अपनी हद से गिरे जा रहे हो। तुम्हें मालूम है, आज धर्मराज जैसे बड़े भाई इस दरवाजे से रो कर गए हैं। इसे रोको मधु, इसकी जबान बहुत चलती है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, और सच्चाई को कभी रोका नहीं जा सकता। चुप करके मेरे पैसे बाहर रख दो और निकल जाओ यहाँ से। अरे तुम कौन होती हो मेम साहब मुझे मेरे घर से निकालने वाली? रहा तुम्हारे पैसे का सवाल, तो उसका भी जवाब सुन लो। इस घर में रंग रंग के पैसे नहीं होते, तुम्हारे पैसे, मेरे पैसे, इसके पैसे। इस छत के नीचे जो कुछ भी है, एक का भी है, अनेक का भी है, इस घर में सब बराबर है। हाँ, एक आदमी छत्र की तरह सबसे ऊंचा है। जो उनकी इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी इज्जत के काबिल नहीं। हबीब, हबीब, ये लो पैसे और अपने गहने छुड़ा लो। छी छी रवि, ये तूने क्या किया? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इस घर में ऐसे लोग भी हैं जिनके हक तो दुनिया भर के हैं और जिम्मेदारी ढेले भर की नहीं। रवि, तू छोटा है, तुझे बड़ों से उलझना नहीं चाहिए। इसे बड़े सहना दे तो ये इतना बेलगाम क्यों हो? खबरदार मेम साहब, तेरी भाभी के बारे में कुछ भी कहा तो। रवि, जिस तरह मैं तुम्हारी भाभी हूँ उसी तरह ये भी तुम्हारी भाभी है। जाओ, अपने गलती की माफी मांगो और फौरन ये पैसे लौटा दो। भाभी? रवि, ये मेरा हुक्म है। अच्छी बात है, मैं माफी मांगता हूँ उस गलती की जो मैंने नहीं की। ये लो। वाह वाह वाह, तालियां बजाने को जी चाहता है। क्या नाटक चल रहा है यहाँ, हर कलाकार किस खूबी से अपना पार्ट अदा कर रहा है। पहले बड़े भैया भेजे जाते हैं ऊपर, वो पैसे मांगते हैं लेकिन दबी जबान से। फिर छोटा देवर भेजा जाता है, वो पैसे मांगता नहीं, निकाल लेता है। डाकू के हाथ में छुरी होती है, इसकी जुबान छुरी। बाकी रहेगी आप, आपके बारे में कुछ ना ही कहूं तो अच्छा है। वो भी कह डालो बहन, अपने दिल का गुबार निकालो। एक खेल होता है कठपुतलियों का खेल, और एक हाथ होता है जो नजर नहीं आता मगर धागे खींचता है और नचाता है इन कठपुतलियों को, और वो हाथ आपका हाथ है। आगे एक शब्द न कहना, तुमने मेरी बेइज्जती की, मैं खून के आंसू पी के रह गया। मैं सब कुछ सह सकता हूँ मगर अपने घर की लक्ष्मी का अनादर नहीं सह सकता। तुम्हें अपनी इस गुस्ताखी के लिए माफी मांगनी होगी इस देवी से। मैंने ऐसी देवियाँ बहुत देखी है, मुँह की मीठी और दिल की काली। मैं इससे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। तो फिर निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसी बद दिमाग, बदतमीज और बद जुबान के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ बहू, इसे माफी मांगनी ही होगी। भैया, जो कुछ भी आज हुआ है उसका मुझे बहुत अफसोस है, इसके जगह आप मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें मेरे जुर्म अपने हिसाब में लिखवाने की जरूरत नहीं। ये मुझे घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं, मैं इस घर में रहने के लिए तैयार नहीं। शोभा, 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 मेरी बहन, मेरी बहू, आज न जाने इस घर में सबको क्या हो गया है। तुम किसी की बातों पर कान मत दो और मुझे माफ कर दो। हट जाओ, अब मुझे कोई नहीं रोक। शोभा, मेरे आंसू भी नहीं? नहीं, तुम मेरे लिए आंसू मत बहाओ, मैं इन मोतियों की खरीदार नहीं। शोभा, मधु, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से जाओ, शोभा को वापस ले आओ। घर परिवार में तो ऐसा होता ही रहता है, तुम लाख संभालो, बर्तन से बर्तन टकरा ही जाता है।
इसका मतलब यह तो नहीं कि लोग घर छोड़ते। जाओ मधु, वो इस तरह से नहीं आएगी भाभी, मैं उसको तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मधु, मगर तुम ये नहीं जानते, औरत का गुस्सा हवा के झोंके की तरह होता है, इधर आया उधर चला गया। वो आएगी मधु, जरूर आएगी। नहीं भाभी। देखो मधु, तुम उससे प्यार करते हो, वो तुमसे प्यार करती है, तुम उसे अपने प्यार का वास्ता देना, वो इनकार नहीं करेगी, जरूर आएगी। जाओ मधु जाओ, अपने भाभी का कहना मत टालो, जाओ ना जाओ। रवि जाओ कॉलेज जाओ। माँ मुझे भूख लगी है, माँ माँ मुझे भूख लगी है, माँ माँ मुझे भूख लगी है, माँ। नहीं बेटा, मजदूर भाइयों और बहनों, रानी पद्मावती वो महान स्त्री हैं जो तुम्हारी बगावत के बावजूद तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बल्कि तुम पर दया करने के लिए तैयार हैं। वो तुम्हारी भूख नहीं देख सकती, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए खाना, बीमारों के लिए दवाइयां और बच्चों के लिए खिलौने भेजे हैं। ये लो तुम भी दो दो। फेंक दे इसे। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे इतनी भूख लगी है तो माँ को खा ले। फेंक दे इसे। चलने भेजूंगा। फेंक दे इसे। माँ मैं फेंक दे दूँगा। माँ फेंक दे इसे। छोड़ दो। फेंक दे इसे। छोड़। ये भी कोई बात हुई कि बच्चा भूख से बिलबिलाया और माँ ने गुस्से का बारूद खाली कर दिया उसके ऊपर। ये खाना नहीं भैया, ठीक है, हमें मरना मंजूर है भैया, छुपना मंजूर नहीं। ठीक है बहन, लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? तो क्या आप चाहते हैं कि हम अपने हकों के लिए लड़ना छोड़ दें? अपने हकों के लिए नहीं, मेरे लिए लड़ना छोड़ दो। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। और फिर रानी पद्मावती की लड़ाई तुम लोगों के साथ नहीं, मेरे साथ है। रानी पद्मावती तुम लोगों की हर मांग मानने के लिए तैयार है और मैं नहीं चाहता कि उसके अंधे और ओछे हथियार तुम गरीबों पे या इन मासूम बच्चों पे चलें। अगर तुम लोगों के दिलों में मेरे लिए कुछ भी इज्जत है तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपनी जिद को छोड़ दो और अपने अपने काम पे वापस चले जाओ। ये प्रार्थना है मेरी। मेरी जवानी मेरी
जाना। क्यों? ये मेरा हुक्म है। तुम्हारा हुक्म? हम क्यों माने? इसलिए कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें मालूम नहीं सपने झूठे होते हैं, खिलौने टूट जाते हैं। खिलौने टूट जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे खेलना बंद कर दें। दुनिया में एक मौत जैसी चीज भी होती है, इसलिए क्या इंसान जीना छोड़ दे? मैं तुम्हारी क्लास में नहीं पढ़ती हूँ, मुझे लेक्चर नहीं चाहिए। मधु, हे मधु, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, मगर इस तरह सर फेंक के बैठने से क्या होगा मेरे यार? अगर शोभा यहां नहीं आ सकती, तुम तो उसके पास जा सकते हो। जी, तुम क्या कह रहे हो शिखर भैया? मैं ठीक कह रहा हूं मधु, अगर तुम दोनों इसी तरह एक दूसरे से दूर रहोगे तो एक दिन बिल्कुल दूर हो जाओगे, और फिर तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजड़ जाए। लेकिन मेरा घर तो ये है जहां तुम रहते हो, बड़े भैया रहते हैं, रवि रहता है, भाभी रहती है। देखो मधु, जिद ना करो, मेरी बात मानो, जाओ मेरी शोभा के पास जाओ। मधु, तुम्हें जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है भैया, मैं इस मंदिर से निकाला जा रहा हूँ। मेरे पगले, ऐसा क्यों सोचता है? तू कहीं से भी निकाला नहीं जा रहा, सिर्फ अपने घर जा रहा है। बाकी रहा ये मंदिर हमेशा के लिए खुला रहेगा, तुम्हारे लिए, बहू के लिए। तुम जाओ, हम सब का आशीर्वाद तुम्हारे साथ। देखो, तुम उसके चौखट को ठोकर मार कर आ गई हो, और वो तुम्हारे चौखट पर रंगोली बना रही है। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। अब टीका लगा दो। भाभी, हाँ? बड़े भैया भी इस वक्त यहाँ होते कितना अच्छा होता। नहीं, अरे पगले, अगर उनका आशीर्वाद ना होता तो मैं यहाँ कैसे आ सकती थी। धन्य धन्य शोभा बेटी, लक्ष्मी के पैर छू। अरे अरे, रहने दो बहू, रहने दो, ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। अच्छा भाभी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? मिस्टर शेखर, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? किस लिए इंस्पेक्टर साहब? फैक्ट्री में 1,00,000 रुपए का गबन हो गया है। गबन? किसने किया है गबन? इल्जाम आपके सर पे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको भूल हो रही है, मेरा भाई गबन नहीं कर सकता। इसका फैसला अदालत करेगी, मैं नहीं। नहीं, 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 ये क्या? आपके हाथ में हथकड़ी, ये मैं क्या देख रही हूँ? हे भगवान, ये सब देखने से पहले मैं मर के नहीं गई। जी, ये सब क्या हो रहा है? हौसला रखो बहू, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा भाई चोर नहीं है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई चाल है, धोखा है, फ्रेम है। हौसला रखो। देखा मौसी, मजदूरों का लीडर गया हवालात में, इसलिए आज मैं खुश हूँ। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आपको इंस्पेक्टर साहब बुलाया। यस इंस्पेक्टर। मिस्टर शेखर, आप जा सकते हैं, आपकी जमानत दे दी गई। जी, मगर इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मुझे गिरफ्तार करवाने वाला और फिर इस तरह जमानत देकर छुड़वाने वाला है कौन? रानी पद्मावती। रानी पद्मावती। बनी, बनी, उस आदमी को देखो, जाओ उस आदमी को पकड़ कर लाओ।
अरे छोड़ता क्यों नहीं? अरे छोड़ ना। वेल डन बनी, वेल डन। ये अच्छा तरीका निकाला है आपने किसी शरीफ आदमी को अपने घर बुलाने का। किस शरीफ को किस तरह बुलाना चाहिए हम अच्छी तरह जानते हैं। मगर ये क्या मजाक है रानी साहिबा कि पहले एक इज्जतदार आदमी को नौकरी से निकाला जाता है, उस पर झूठा इल्जाम लगा के उसे हथकड़ी पहनाई जाती है और फिर रहम की भीख उसकी झोली में फेंक कर उसे जेल से आजाद करा दिया जाता है। इन्हें हमारा शौक समझ लो जैसे हमें इन फूलों का शौक है। हम इन्हें प्यार से उगाते भी हैं, शाखों से तोड़ते भी हैं, गुलदानों में सजाते भी हैं और जब हमारा जीप भर जाता है हम इन्हें नोच कर हवा में बखेर भी देते हैं। बहुत खूब। मैंने जिंदगी में पहली बार एक ऐसी औरत देखी है जो प्यार से फूलों को पाल भी सकती है और उन्हीं फूलों को मसल कर हंस भी सकती है। ये हंसी एक धोखा भी हो सकती है, एक नकाब, एक पर्दा। मुझे आपके पर्दों से कोई सरोकार नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मेरा गुनाह क्या है? आखिर मुझसे ये दुश्मनी क्यों? मेरा और आपका वास्ता ही क्या है? वास्ता? सविता। तमीज से बात करो, हमारा नाम सविता नहीं रानी पद्मावती है। क्या हो गया है भोलू भैया? बॉस ने अभी तक कोई हुक्म नहीं दिया। अरे शहर में होते तो छुरेबाजी करके 1500 कमाई लेते। अरे बॉस आ गए। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। आइए 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 बैठिए। आइए रामू साहब के लिए स्कॉच ले। बोलो। क्या बोलू बॉस, जंगल में बैठ के बोर हो गए। बॉस हुक्म कीजिए किस पंछी का शिकार करना है। बोलो। शिकार बहुत बड़ा है इसलिए बहुत सोच समझ कर चलना होगा। कौन सा शिकार बताऊं? रानी पद्मावती। रानी पद्मावती जिसके आप सेक्रेटरी? अरे किसका सेक्रेटरी है? वो भी कौन सी रानी है? मेरे टुकड़ों पर पलने वाली आज अपने आप को रानी कहती है। हमको तो तरस आती है आप पर। कहां करोड़पति, कहां सेक्रेटरी। इस पांव के कांटे को जल्द से जल्द बाहर फेंकना होगा। बस मौके का इंतजार है। अब वो दिन दूर नहीं भोलो जब ये रानी पद्मावती फिर से लावारिस और भिकारन बनेगी और मोहन अपनी खोई हुई जायदाद का मालिक बनेगा। चीयर्स। लक्ष्मी तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं शहर नौकरी के लिए नहीं कहीं बनवास जा रहा हूं। मेरे लिए तो ये घर ही बंद हो गया है। मधु और बहू के जाने के बाद मेरे तो आधी जान ही चली गई। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कामयाबी आपके पांव चूमे और जब आप घर लौटे पहले से भी बड़ी नौकरी आपके पास हो। भगवान तुम्हें कामयाब करे। पोपट यार आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो फाइनल एग्जाम के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते। आज मैथमेटिक्स के एग्जाम में कोई फेल नहीं होगा ये मेरी गारंटी है। ओके सर। अरे भाई सीधी सी बात, रवि तुम आधे घंटे के अंदर अंदर 4-5 सवालों के जवाब लिखकर मुझे दे देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सिर्फ सवालों को लिखने से क्या होगा, सवालों को हल भी तो करना है प्यारे। क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन होता है कि नहीं, एंड में हमारे आंसर्स करेक्ट होंगे, बाकी जो बीच में गोलमाल होता है वो कौन देखता है। बाप रे यार बोर कर देते हैं। आई टेल यू गुरुजी भाई हॉरिबल पेपर यार। टू बी वेरी फ्रैंक बात क्या है, तुमने जवाब लिखना शुरू नहीं किया, क्या पेपर बहुत मुश्किल है? नो सर नो, पेपर बहुत इजी है, टाइम बहुत है ना, जरा रिलैक्स कर रहा हूँ। सॉरी। टू बी वेरी फ्रैंक जरा रवि को देखो ये कैसे फटाफट लिख रहा है।
गुड बॉय गुड बॉय। वो सर नालायक आदमी को जरा ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। Can I help you? Excuse me, sir. Sorry, excuse me. Sir, ये दोनों सवाल करने हैं कि एक ही करना है? I think printing mistake है. To be very frank, time मिले तो दोनों करना, नहीं तो एक भी नहीं. Thank you, sir. Something wrong. I know. सदा जी कंसंट्रेट ऑन योर पेपर। प्रोफेसर साहब, ये लड़का नकल मार रहा है। नकल मार रहा है? हाँ। यस। वो लड़का? वो? तुमको शर्म नहीं आती? तुम चीटिंग कर रहे हो? जी नहीं प्रोफेसर साहब, नकल मैं नहीं मार रहा, नकल वो मार रहा है। वो? To be very frank, तुम मार रहे हो? नहीं सर, वो प्रोफेसर साहब इधर आइए, ये कॉपी कर रही है। ये मार रहा है? ओहो, मालूम होता है सारी क्लास मार रही है। प्रोफेसर साहब जल्दी इधर आइए, ये पोपट नकल मार रहा है। पोपट? पोपट, this is very bad, this is very bad, I do not like it. सर ये झूठ बोल रही है, पोपट क्या नकल मार रहा है, मेरा तो पेपर भी कंप्लीट हो गया सर। I will throw you out from the country. नहीं सर, I respect you. क्या बात कर रहे हैं, हद होगी, मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, देख लीजिए ना। भाई लोग काम हो गया कि नहीं? ओ, मालिक मालिक देखिए, अरे कौन है ये? क्या बात है, कौन है आप लोग? शंकरलाल जी, अब न ये जानवर आपके रहे, न ये खेत, ये सब कुछ रानी पद्मावती का होगा। पद्मावती का? आपने जो कर्ज लेकर लक्ष्मीराम और करोड़ीमल को दस्तावेज लिखकर दिए थे, वो सब रानी पद्मावती के नाम कर दिए गए हैं। मैं कचहरी का हुक्मनामा लेकर आया हूँ, रानी पद्मावती की कानूनी जायदाद आपसे खाली कराने, समझे? चलो भाई आइए। आपको बड़ी पैसे का जरूरत था, आपने हमसे कर्जा उठाया और अब हमको पैसे की जरूरत है, तो हमने आपके कागज रानी पद्मावती के नाम कर दिए। जरूरत बहुत बुरी चीज है शंकरलाल जी। मैं किसी को दोष नहीं देता भाई। चलो जल्दी उठाओ, जल्दी चलो, चलो जल्दी चलाओ। ये क्या हो रहा है? अरे बड़ी हमसे क्या टकरा लेता है, पूछो अपने भाई से जिसने पहाड़ जैसा कर्जा उठाया है सर पर। अरे शुक्र कर, इबिन के सर से कर्जे के पहाड़ तो उतर गए। ये कहाँ ले जा रहा है बड़ी चाप? मेरी मोटर दे दो, मेरी मोटर दे दो, मेरी मोटर दे दो, मेरे खिलौने दे दो। तो इंसान हो के जानवर, बच्चों के खिलौने भी छोड़ते? अरे उसको क्या दबाता है, रानी पद्मावती का हुक्म के कोई सामान नहीं छोड़ना। अगर बाकी बात पूछनी है तो रानी पद्मावती से पूछो, ले चलो इसे, समझे? रानी पद्मावती, इंसानों की जिंदगी से खेलने वालों को इस खेल में क्या मजा आएगा? कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मैं उस औरत से मिलना चाहता हूँ जो जंगल का कानून लेकर हमारे शहर आई है, मैं उसके जुल्म की दुहाई देता हूँ। ओ मेम साहब, आप भी मौजूद हैं यहाँ? तुम इसे जानती हो शोभा? जी हाँ, ये आपके पुराने सुपरवाइजर मिस्टर शेखर का भाई है जो अभी अभी हवाला से बाहर आया है। सिर्फ उन्हीं का नहीं, मैं उस आदमी का भी भाई हूँ जिसके गले में तुमने पट्टा डाल रखा है। तुम अपनी बदतमीजी से कभी बाज नहीं आते और आप हर चीज में अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन मैं यहाँ आपके दर्शन करने नहीं आया, मुझे तो रानी पद्मावती से मिलना है। रानी साहिबा,
अगर तुम्हें अपने नाखूनों की तेजी आजमानी है तो मर्दों पर आजमाओ। छोटे छोटे बच्चों की गर्दनों पर अपने पंजे ना गाड़ो। उन गरीबों से उनके खिलौने ना छीनो। खिलौनों की बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कोई कीमती हीरे हो। बच्चों के लिए खिलौनों की कीमत हीरों से बढ़कर होती है, ये किसी माँ के दिल से पूछो। ये तुम क्या जानो जो एक सड़े हुए सूखे हुए खेत की तरह बालझो 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 यहाँ से। मूर्ति टूट गई? मूर्ति को तो कोई भी जोड़ देगा मौसी, लेकिन लेकिन मेरे दिल को कौन जोड़ेगा जो बरसों से टूटा पड़ा है? उन जख्मों को कौन सिएगा जो मेरे सीने में है? शांति करो बेटी, शांति करो। भगवान की दया पर भरोसा रखो। तुम्हें क्या मालूम मौसी, वो नालायक जाते जाते कैसा तीर चला गया है मेरी छाती पर, जो कह गया है मैं सूखे हुए सड़े हुए खेत की तरफ भांजू भांज। नहीं मौसी, मैं भांज नहीं हूँ, मैं भांज नहीं हूँ। मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ। धीरज रखो बेटी, धीरज रखो। मुझे मालूम है आप सोच रहे हैं कि पीछे इतना बड़ा घर छोड़कर आए हैं, इस छोटे से झोपड़े में कैसे गुजर हो। गंगू, मुझे झोपड़ा तो नजर ही नहीं आ रहा, मैं तो तुम्हारा दिल देख रहा हूं जो मेरे घर से भी बड़ा है और मेरी जमीन से भी। तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए। नहीं मालिक, नहीं, मैं तो अब तक वही हूं, आपका पुराना नौकर गंगू, जो आपके नमक पे पला है और आपके जूतों में पड़ा हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें सुखी रखे। भाभी, आप वहां से यहाँ चले आए, घर में इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं, आपने हमें पराया समझा। ये बात नहीं पगली, तुम तो अपनों से भी बढ़कर मेरी अपनी हो, लेकिन मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह जानती हूँ, वो तुम जैसे नहीं है। नीलू, कम कम कम, अच्छे से यू टेक चेयर चेयर, ओ इस ओ नो चेयर नो चेयर, चेयर सिटिंग बैड वेरी बैड, सिट यू सिट हियर, चेयर सिटिंग बैड बैड, यू सिट यू You know that, you know that, I said, you good girl, you good girl, you know that, know that. Loving, 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 love, 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 good, very good, good girl. भैया, भैया मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। कॉलेज नहीं जाएगा? हाँ भैया, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगा। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, देख रवि कहता है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों है रवि, तू कॉलेज क्यों नहीं जा रहे? भाभी, सारे खानदान का बोझ भैया ने अपने कंधों पर उठाया है, इन हालात में पढ़ नहीं सकता, मैं कुछ काम करूंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा। नहीं रवि, मैं तुम्हें कॉलेज नहीं छोड़ने दूंगा, भले मुझे भीख मांगनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं बाबूजी। हां रवि, बोल कितना चाहिए रुपया, ले 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 ले। ये क्या, कहीं से डाका मार के आए? अरे नहीं यार, मैंने अपना स्कूटर बेच दिया, खामखा की मुसीबत, मेरी क्या टांगे टूट गई है बाबूजी, आप बताइए। बोली पार्टनर, दुख के पार्टनर, सुख के पार्टनर, दैट्स इट।
अरे यार हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? लग गई है चोट कर जवाब में, हाय राम लग गई है चोट कर जवाब में। लाठी लेके आ जाएंगे। बंद करो ये गाना। ये क्या कर रहे हो? मुंह में एक दांत नहीं है, उंगली काटने का शोर है। अरे ये तो कोई चांद से लौटा हुआ मुसाफिर मालूम होता है। हाँ मैं मर गई। बेटे ये तेरी हालत कैसे हो गई? शुक्र है तेरी जान तो बच गई। अरे इसकी जान तो बच गई लेकिन इसकी फटफटी का क्या हुआ? क्या वो भी चकनाचूर हो गई? मेरे तो 2000 गए। देखो मम्मी इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मैं मरते मरते बचा हूँ और इनको अपने लोहे के चरखे की पड़ी हुई है। अरे तेरे लोहे के चरखे ने तो मेरी तो कहो जी, मैं तो शुक्र करती हूँ जान छूटी उस फटफटी से। अब दूसरा एक्सीडेंट तो नहीं होगा। नीलू और नीलू जल्दी आ, तो अपने भैया को अंदर लेके जा, मैं इसके लिए गरम गरम दूध लेके आती हूँ। तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? जाओ जाके डॉक्टर को लेके आओ। पुपू भैया ये क्या नाटक है? अरे तुम तो जानती हो डैडी अपने कितने कंजूस आदमी है, मुझे पैसों की जरूरत थी, सीधी तरह देने वाले थे नहीं, इसलिए मैंने स्कूटर 2000 रुपए में बेच दिया। लेकिन किसके लिए? अरे तुम्हारे रवि के लिए, और किसके लिए? क्यों भाई उसकी हालत तुम जानती हो कितनी खराब है। थैंक यू ब्रदर। अरे थैंक यू थैंक यू। थैंक यू का बच्चा डैडी कहां है तू? अरे चला जा कहीं। अरे डैडी मेरे पास नहीं लेना बच्चा। मैं बाहर हूं। डैडी का बच्चा डैडी का बच्चा। अरे 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 डैडी मैं आ चुकी हूं। डैडी तुम हट जाओ। वाह शंकर लाल जी वाह, कैसे शरीफ आदमी निकले हैं आप। अरे साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो? मुझे नहीं मालूम था कि आप जैसा ऊंचा आदमी इतना गिर सकता है, कीचड़ में गिरा हुआ पैसा अपने दांतों से उठा सकता है। अमर लाल जबान संभाल कर बात करो। तुम भी ये चमक किसी और को दिखाना, जो धोखा करते हैं इस तरह छाती ठोक कर बात नहीं करते। धोखा मैंने किया है? तुमने नहीं किया तो तुम्हारे भाई ने किया। जात भी एक है और खून भी एक है। मेरे बेटे को खूब उल्लू बनाया, पहले तो मिलकर स्कूटर खरीदा, बाद में उसे बेच दिया, उसके हाथ एक फूटी कौड़ी नहीं आई और सारा माल खुद ही हड़प कर गए। ये लो अपने रुपए, एक एक पाई गिन लो। ये पैसे रवि नहीं लाया था, तुम्हारा बेटा खुद देकर गया था। मैंने तो सिर्फ उसका दिल रखने के लिए अपने पास रख लिए थे। मैं तो हैरान हूँ भंवरलाल कि तुम्हारे जैसे छोटे आदमी के घर में इतने बड़े दिल का लड़का कहां से पैदा हो गया। चले जाओ यहां पे। मिस्टर शेखर आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हमें आप जैसे काबिल और तजर्बेकार आदमी की जरूरत थी। समझ लीजिए आपको नौकरी मिल गई। थैंक यू वेरी मच। यस ईश्वरलाल स्पीकिंग। रानी पद्मावती जी। आई सी। मिस्टर शेखर ये नौकरी आपको नहीं मिल सकती। मगर मैनेजर साहब अभी आप आई एम सॉरी, आप मेरी मुश्किल को नहीं समझ सकते हैं। पिताजी चलिए प्रिंसिपल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चल प्रिंसिपल साहब चल आप। अच्छा इधर होंगे हाँ पिताजी? इधर नहीं उधर। उधर है? हाँ उधर। Stand up on the bench. लेकिन प्रिंसिपल साहब आपने मुझे याद फरमाया है। आप ही पोपट के बाप हैं जी। ये तरीका है कुर्सियों पे बैठने का है? नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, नीचे नीचे, नीचे। जी, जी, जी। Sorry for all that. सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने पोपट जैसा लायक नेक और शरीफ लड़का पैदा किया। जी मैंने क्या, भगवान की कृपा है। टू बी वेरी फ्रेंक, न वो सिर्फ अपने खानदान का बल्कि हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन करने वाला है। लेकिन नीला तो कुछ और कह रही थी और वो भी ठीक कह रही थी। हमने फैसला किया कि पोपट को फौरन इस कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए। क्यों? आपने तो सुन रखा होगा, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हम नहीं चाहते कि हमारा कॉलेज एक गंदा तालाब बने। टेक योर मछली बैक। अरे प्रिंसिपल साहब इस गंदी मछली को तो मैंने कई सालों से आपके सपोर्ट कर रखा है,
अगर अब भी आप इसे नहीं संभाल सकते तो इसे काट डालिए, फ्राई कीजिए या कच्चा ही खा जाइए। क्या बात कर रहे हैं आप, सूर्यवंशी ब्राह्मण को आप मछली खाने की बात कह रहे हैं, वो भी गंदी। आप ही ने इस मछली को पैदा किया है, आप इस मछली को खा जाइए। प्रिंसिपल साहब ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बेटे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप कहें तो मैं कुछ जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। इसको जुर्माना नहीं कहते, इसको डोनेशन कहते हैं। अगर आप इस कॉलेज को 500 रुपया डोनेशन देने को तैयार हैं, तो मैं अपने फैसले पर फिर से गौर कर सकता हूँ। 500? राम 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 राम, अजी 500 तो मेरी सारी जिंदगी की पढ़ाई पर भी खर्च नहीं हुआ था। प्रिंसिपल साहब 50 से काम चल जाएगा? No! 100 से काम चल जाएगा? Shut up, I said! 150 मंजूर है? ओ, गंदी मछली के कंजूस बाप! उफ़, तुम यहाँ पर भी सौदा कर रहे हो? ठीक है, 200 में काम चल जाएगा। 200? Yes! मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ये क्या कर रहे हैं आप? बाथरूम इज दैट साइड। अजी कुछ नहीं, पैसे निकाल रहा हूँ। आप रुपए धोती में छिपा कर रखते हैं? अजी प्रिंसिपल साहब आप क्या जाने, लक्ष्मी जी को कहां कहां छुपा कर रखते हैं। ये लीजिए। ये क्या है? रुपए, रुपए। लगता बीड़ी का बंडल है। जी नहीं, रुपए। प्रिंसिपल साहब इसकी रसीद मिलेगी? रसीद? रसीद आप गंदी मछली से जाकर लीजिए। ओह, तो ये गंदी मछली के अकाउंट में है? जी हाँ। अच्छा, जय राम जी की। जय राम जी की। इनडिसिप्लिन ऑल ओवर इंडिया जी, आपके लिए नहीं कहा मैंने। ओह, चले आते हैं। मैं बात कराया, प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। Now what is going on here? वो बेटी से बात कर रहा है। Go away from here. Will you please go away from here? लेकिन प्रिंसिपल साहब, I said go away. जा रहा हूँ। What kind of a man is he? Stand up, girl. देखा, नीलू सिस्टर, इसको कहते हैं पत्थर को निचोड़कर उसका तेल निकाल। ये 200 रुपए लो, ऑफिस में रवि की एग्जामिनेशन फीस भरो, नहीं तो बेचारे का सारा साल बेकार जाएगा। जल्दी करो। इसे कहते हैं टू बी वेरी फ्रैंक। माँ हमें भूख लगी है, खाना दो ना। बेटे तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। कल भी आपने यही कहा था ताऊ जी, अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। बेटे मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। आइए ताऊ जी, हम अपने हाथ से आपको खिलाते हैं। चलो बेटे अब तुम भी खाओ, मैं खिलाता हूँ तुम दोनों को। ये लो बेटे। चाची, ये लोग कहाँ गए? तुझे नहीं मालूम बेटा, पुराने नौकर गंगू के पास रहते हैं वो लोग। मगर क्यों? मकान कुर्क हो गया बेटा। कुर्क हो गया? हम्म। मगर किसने किया? रानी पद्मावती ने। ये अपना नया मकान है। मैंने सब कुछ सुन लिया भैया, मगर अफसोस एक बात का है कि जब घर पे बिजली पड़ी मैं आपके साथ नहीं था। ये तो होता ही रहता है शेखर, जिंदगी एक खेत की तरह है जिस पे कभी ओले बरसते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, मगर एक अच्छा किसान कभी हिम्मत नहीं हारता, अपना काम करता ही रहता है। अरे हाँ, तू शहर गया था, नौकरी का बंदोबस्त हुआ? इंतजाम तो कई हुए भैया, मगर होते होते रह गए। मैंने बहुत से दरवाजे खटखटाए, मगर हर दरवाजा खुलने से पहले ही बंद हो गया, रानी पद्मावती के हुक्म से। पद्मावती का क्या बैर है हमसे? मैं पूछती हूँ, उसकी क्या दुश्मनी है हमसे और हमारे खानदान से? मुझे क्या मालूम, ये तो वो जाने। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। हाँ हाँ, छुपा रहा हूँ। तुम्हारा पति कोई पापी है जिसने अपनी खामोशी के अंधेरी पटारियों में
जाने कौन कौन से काले नाग छुपा रखे हैं। यही कहना चाहती हो तुम? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर क्या कहा है तुम? लक्ष्मी, मैंने हमेशा तुमको दूसरों से अलग माना, मगर नहीं जानता था कि तुम्हारे विश्वास और धर्म के मंदिर की दीवारें इतनी कमजोर हैं कि बेकारी के हथौड़े की एक चोट भी नहीं सह सकती। ऐसा ना कहिए, मैं सब कुछ सह सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, ये रानी पद्मावती कौन है? उसने हिंदुस्तान के सैकड़ों शहरों में से सिर्फ ये शहर, इस शहर में सिर्फ हमारा खानदान और हमारे खानदान में सिर्फ आपको क्यों चुना है? जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, बर्बाद करने के लिए। जैसे तुमने चुना है मुझे जलाने के लिए, तड़पाने के लिए। क्या यही है एक आदर्श स्त्री का प्यार, एक धर्म पत्नी का धर्म? उसका पति हार के टूट के घर वापस आए और पत्नी अपने गुस्से का सारा बारूद उसमें खाली कर दे। लक्ष्मी, रानी पद्मावती ने तो सिर्फ मुझे जख्म दिए हैं, लेकिन तुमने तुमने तो उन जख्मों में दुनिया भर का नमक भर दिया है। मैं शेखर बाबू की पत्नी हूँ, मुझे रानी पद्मावती से मिलना है। मौसी, इन्हें अंदर आने दीजिए। तुम ही हो मिस्टर शेखर की पत्नी? जी हाँ। और आप हैं रानी पद्मावती? यहाँ आते हुए उनकी अपनी आंख नीची होती है, इसलिए तुम्हें भेजा है? जी नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं यहाँ खुद आई हूँ। मैं एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती थी वो रानी पद्मावती कौन है जिसके शहर में इतने चर्चे हो रहे हैं, जो एक तरफ अनाथों को लाखों रुपए का दान देती हैं और दूसरी तरफ मैं तुम्हें भी दान दे सकती हूँ, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा मकान, सब कुछ लौटा सकती हूँ। लेकिन मैं भीख मांगने नहीं आई आपके दरवाजे पर, ना ही मुझे आपकी दया का दान चाहिए। मुझे सिर्फ उस सवाल का जवाब चाहिए जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली है। तुम सवाल पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं पूछने आई हूँ, मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बिजली बन के टूट पड़ी हैं हमारे सुनहरे संसार पर? सुनहरा संसार कितना अच्छा लगता है सुनने में। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आओ मेरे साथ, जवाब तुम्हें मिलेगा। लेकिन मेरा भी एक सवाल है। मेरे साथ आईने में अपनी सूरत देखो, क्या तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो? नहीं, आप बहुत सुंदर हैं, मैं तुमसे ज्यादा अमीर भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ी भिखारन लग रही हूँ। और तुम रानी, तुम्हारे पास तो पति भी है, बच्चे भी हैं, और वो चीज भी है जिसे तुम सुनहरा संसार कहती हो, मगर मेरे पास क्या है जिसे मैं अपना कह सकूं सिवाय अपनी दौलत के? मुझे समझने में भूल न करना, मैं भी तुमसे दया का दान नहीं, सिर्फ एक सवाल का जवाब मांग रही हूँ। लेकिन मुझसे क्यों? इसलिए कि हर औरत दूसरी औरत का आईना होती है। एक मिनट के लिए समझ लो, तुम मेरा आईना हो और मैं तुम में अपनी तस्वीर देखना चाहती हूँ। मैं समझी नहीं आपका मतलब। अभी समझ जाओगी। सोचो, एक खूबसूरत सजीला नौजवान कभी कहीं एक भोली मासूम लड़की से मिलता है, वो पहले उसके दिल में मीठा मीठा दर्द जगाता है, फिर उसे हजार उम्मीदें, हजार वचन देता है, आखिर में उस बेचारी लड़की की रगों में उस संगीत को भी छेड़ देता है जो हर कुंवारी का गहना होता है, और फिर एक दिन वो उसे छोड़ के चल देता है जैसे कोई मल्लाह एक नाव में छेद करके उसे मझदार में छोड़ दे और खुद तैर जाए नदी के पार।
ऐसे आदमी को तुम क्या कहोगी? झूठा, फरेबी, मक्कार और क्या? और ऐसे मक्कार के लिए तुम सजा क्या तजवीज करोगी? मैं कोई मुनसिफ तो हूं नहीं, लेकिन उस पापी को उतना दुख तो मिलना ही चाहिए जितना उस अबला को झेलना पड़ा। अब मुझे गौर से देखो, तुम्हारे सामने रानी पद्मावती नहीं, बरसों पहले की वो निर्दोष अबला खड़ी है। और तुम्हें ये भी बता दूं, जिसे तुम पापी कहते हो वो कौन था? कौन? बरसों पहले मेरा शेखर, मगर आज तुम्हारा पति। झूठ, ये सब झूठ है। तुम्हारे इल्जाम झूठे हैं, तुम्हारी कहानियां झूठी हैं, ये सब झूठ है, झूठ है। ये देखो, क्या ये तस्वीर भी झूठी है? मैं और शेखर दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। कहीं सावन में भी ये दिल न तरसे, घटा छाई तो है बरसे भीगी भीगी हवा है, काली काली घटा है, घटा पे तो शक हो सकता है, तुमसे नहीं हो। भीगी भीगी हवा है, काली काली घटा है, घटा पे तो शक हो सकता है, तुमसे नहीं हो। आशिकों से सुना है चाहत में वफा है, वफा पे तो शक हो सकता है, तुमसे नहीं हो। भीगी भीगी हवा है, काली काली घटा है, खुदा पे तो शक हो सकता है, तुम पे नहीं, तुम पे नहीं।
अचानक किसी जरूरी काम से घर जाना पड़ गया था। जाने क्यों मेरे दिल में पहले एक तार कांपा, फिर टूट गया। लेकिन शेखर ने मुझे विश्वास दिलाया कि वो जल्दी वापस आएगा और मुझे दुल्हन बना के अपने घर ले जाएगा। उसकी बाहों में टूटे हुए तार फिर जुड़ गए, लेकिन शेखर गए हुए वक्त की तरह वापस नहीं आया। पहले दिन गुजरे, फिर हफ्ते, फिर महीने। मैंने उम्मीदों और सपनों का जो रंग महल बनाया था, अब बिरहा की आग में पिघलने लगा था। और एक दिन मुझे मालूम हुआ, मेरी जान के अंदर एक और जान करवट ले रही है। मैं मां बनने वाली हूं। समाज ने मुझ पे कह कहे लगाए, लोगों ने मुझ पे आवाजें कसे। मैं घर पहुंची तो मालूम हुआ मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली है। पिताजी! पिताजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा और अकेले हो गई थी। एक बार तो मैंने भी सोचा, मेरी उलझन का हल मौत है, जिंदगी नहीं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, मुझे अपनी जान लेने का तो हक है। भगवान की भेजी हुई, भगवान की दी हुई एक दूसरी जान लेने का क्या अधिकार है। मैंने अस्पताल में अपनी बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल से निकली तो मेरे सामने दुनिया की अंधेरी काली लंबी राहें थी, और साथ सिर्फ अपने माथे का कलंक था। मुझे दूर अंधेरे में एक रोशनी नजर आई, लेकिन अनाथ आश्रम के दरवाजे भी मेरी किस्मत की तरह बंद थे। मैंने अपने कलेजे का टुकड़ा एक पत्थर की बनी हुई माँ की गोद में रखा और खुद रात के अंधेरों में कहीं खो गई। आखिर सर छुपाने के लिए मुझ गरीब को जहाँ जगह मिली, वो एक बहुत अमीर मगर बूढ़ी बीमार औरत का घर था। माँ जी, कौन हो तुम? जी, मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ नौकर रखी गई हूँ। नौकर? तनख्वाह क्या तय हुई है? 200। 200 रुपए? जिन्हें 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं वो इस कमरे में आने के लिए तैयार नहीं। उन्हें डर है, देखने से ही मेरी भयंकर बीमारी उन्हें लग न जाए। जरा नजदीक आओ, मुझे अच्छी तरह देखो। तुम सिर्फ 200 रुपए के लिए अपनी जवानी और अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही हो। माँ जी, मेरी जिंदगी तो 2 करोड़ की भी नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सुख पहुंचा सकी तो मेरा दुख जरा कम हो जाएगा। पहले वो मेरी मालकिन थी, मैं उसकी नौकरानी। पहले मैं उसकी सेवा करना अपनी मजबूरी मानती थी, फिर धर्म समझ के करने लगी। आखिर धर्म ने प्यार का रूप ले लिया, चंद ही दिनों में रिश्ते बदल गए। नौकरानी बेटी बन गई, मालकिन ने माँ का रूप धारण कर लिया। लेकिन मैं अपने भाग साथ लेके गई थी। एक रोज माँ भी मेरे पिता की तरह बेटी का साथ छोड़ के परलोक से धर गई। मेरी धर्म की माँ जाते जाते अपनी तमाम दौलत, अपनी सारी जायदाद मेरे नाम छोड़ गई थी। लेकिन फायदा क्या, मुझे 1000 ढूंढने पर भी अपनी बेटी नहीं मिली, अपनी आंखों की रोशनी नहीं मिली। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए, बदला चाहिए। जिसने मेरी जिंदगी में आग लगाई है, मैं उसकी जिंदगी भी शोलों में लिपटी हुई देखना चाहती हूँ।
मुझे अपनी उजड़ी हुई कोख की कसम है, मैं उसकी बर्बादी देख कर रहूंगी। और मुझे भी अपनी माँ के सिंदूर की सौगंध है, मैं अपनी सुहाग को बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब मैं जा रही हूं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। नहीं, मुझे तो यहां के मालूम हुआ, मुझसे ज्यादा तुम्हें मदद की जरूरत है। ठहरो, मैं करोड़पति बन गई हूं लेकिन अपने पुराने रिवाज नहीं भूली। जब कोई सुहागवती किसी के घर आती है, उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। लक्ष्मी, तुम कितनी बड़ी हो, भगवान ने तुम्हें कितना प्यार, कितनी श्रद्धा, कितनी शक्ति दी है। कितना बुखार है डॉक्टर साहब? बुखार तो बहुत है, इसके सर पे ठंडी पट्टियां रखी रही। मैं कुछ दवाइयां लिख के देता हूँ जी, उन्हें फौरन मंगवा लीजिए। मुझे दीजिए भैया, मैं लेके आता हूँ, मैं शाम को फिर आऊंगा। सेठ जी राम राम। राम राम जी, राम राम। ये घड़ी बेचनी है। भैया घड़ी तो कोई नहीं, पर फिर भी 60 रुपए दे सकूं। बस 60 रुपए? अच्छा दीजिए पैसे। गिन ले भाई। साहब आपका पैसा। ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेगा। क्यों बेटे? ये शिखर अभी तक दवा लेकर क्यों नहीं है? मैं जाने उसके पास दवाई के लिए पैसे हैं या नहीं। अभी तक नहीं आए दवा लेकर। ए कुली, कम ऑन डार्लिंग। तुम अंदर बैठो। ड्राइवर जी, वो कुली किधर गया? कमाल है, पैसे भी नहीं लेके गया।
ये 5 रुपए उसको दे दो। करम सर जाओ। कुली ये क्या कर रहे हैं आप? रिक्शा चला रहे हो? आप मेरी फिक्र मत कीजिए भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। भगवान के लिए घर जाइए, मैं ये सवारी छोड़कर दवाई लेकर घर वापस पहुंचता हूं। राम राम बेटे, आंखें खोलो बेटे, बोलो ताऊजी। बोलो बेटे। वो गाना सुनाओ। कौन सा गाना? बाग वाला। अच्छा एक अपना बाग बगीचा था, पत्थर से पानी खींचा था। एक अपना बाग बगीचा था, पत्थर से पानी खींचा था। फूलों को लहू से सींचा था, बाकी अब वो गुलजार नहीं। इस घर में कोई दीवार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं। कब रात ढले और तू जागे, कब रात ढले और तू जागे। उठ कर इस आंगन में भागे, उठ कर इस आंगन में भागे। मुझसे तू निकल जाए आगे, मुझसे तू निकल जाए आगे। मंजूर मुझे ये हार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं, इस घर में कोई दीवार। मास्टर जी, राम गया। माँ, राम को ताऊ जी और पिताजी साथ ले गए थे, उसे वापस क्यों नहीं लाए? ये मुझसे नहीं, अपने बाप से पूछो। पिताजी पिताजी, आप राम को वापस क्यों नहीं लाए? ओ भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? वो परीक्षा नहीं, तुम्हारे कर्म का हिसाब ले रहा है। लक्ष्मी, ये क्या कह रही हो तुम? मैं क्या कहूंगी, बरसों पहले तुमने जो पाप के हल चलाए थे, उसकी फसल हम सबको काटनी पड़ रही है। पहले तुम्हारी नौकरी गई,
फिर हमारा घर गया, हमारी जमीनें गई। जब वो भी काफी नहीं हुआ तो मेरे राम को इस दुनिया से जाना पड़ा। मेरी गोद सुनी हो गई, मेरी गोद सुनी हो गई। मगर मेरा इसमें क्या दोष है? तुम्हारा कोई दोष नहीं। जिस मर्द को मैंने हमेशा देवता समझा, भगवान बना के पूजा की, उसकी वासना पर पहले भी एक औरत बलि चढ़ चुकी है। लक्ष्मी, जब तुमने मेरे गले में मंगलसूत्र डाला, उस वक्त भी तुम्हारे हाथ उसके दिल के खून से लाल थे। किसका दिल, किसका खून? रानी पद्मावती का। और किसका? पद्मावती? हाँ, उसने मुझे खुद बताया है कि वो तुम्हारे ब्याह से पहले तुम्हारी सविता थी। रानी पद्मावती सविता। अच्छा ही हुआ उसने तुम्हें बता दिया और तुम्हें पता चल गया। मगर लक्ष्मी, ये तुम्हें मालूम नहीं कि ब्याह से पहले वाला शेखर परसों पहले मर चुका है और उसके लिए उसकी सविता भी। लेकिन तुम्हारे पाप तो आज भी जिंदा है। तुम मेरी लूटी हुई कोक की सौगंध, बताओ बताओ, तुमने क्यों धोखा किया हम दोनों से? एक जिससे प्यार किया और दूसरी जिससे ब्याह किया। हाँ लक्ष्मी, मैंने धोखा किया, सबसे धोखा किया। सविता से, तुमसे, अपनी मरती भाभी से, पिता समान भैया से, अपने बच्चों से। मैं धोखेबाज हूं, कमीना हूं। मैं वो डाकू हूं लक्ष्मी, जिसने सबका सब कुछ लूटकर अपनी जिंदगी के खजाने भर लिए। तुम ठीक कहते हो, सजा और किसी को नहीं, और किसी को नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। हाँ, मुझे मिलनी चाहिए सजा। मधु भैया, मधु भैया। वो घर में नहीं है, क्या बात है? बात तुमसे कहने की नहीं है। क्यों? समझ लो, मुझे दीवारों से बात करने की आदत नहीं। तुम्हारी ये मजाक, तुम मेरे ही घर में आकर मुझे ही गालियां दे रहे हो। गालियां तुम्हें क्या लगेंगी? यमराज ने इस दुनिया में कभी स्त्री का रूप लिया है तो अभी लिया है तुम्हारी शक्ल में। मधु भैया को क्या मालूम था कि वो दुल्हन नहीं, हार श्रृंगार करके खुद मौत की देवी ला रहे हैं घर में। जिसने पहले अपने भाइयों को अलग किया, उसके बाद अपने खूनी पंजे उनकी संतान के गले में गाड़ दिए। तुम तो ऐसी चंडिका हो जिसकी प्यास एक नन्हे मासूम बच्चे के लहू से भी न बुझ सकी। तुम तो इस तरह बातें कर रहे हो जैसे राम अपनी मौत ना मरा हो, मैंने उसका खून किया हो। खून तुमने किया है? वो बेचारा वहां जिंदगी और मौत के बीच तड़प रहा था। मधु वहां पर वक्त पे पहुंच जाते तो शायद वो बच जाता, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि उसे वहां भेज दो। अगर वो थोड़ी सी मिट्टी उस मासूम की लाश पर डाल देता तो कौन सी तुम्हारी दौलत कम हो जाती? तुम सब लोग जलते हो मेरी दौलत से, मुझसे, मेरे पति से। तुम्हारा पति उनका भी कुछ लगता है जिन्होंने खुद फाके किए, उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो आज कलेक्टर बन सके। वो जो कुछ बना है अपनी मेहनत से बना है, अपनी काबिलियत से बना है। मैं जो कुछ बना हूं अपनी मेहनत से बना, अपनी काबिलियत से बना। मेरी कामयाबी में किसी का कोई हाथ नहीं, किसी का कोई हिस्सा नहीं। सुन लिया? अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं मधु से कहूं कि तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी की सजा दे। सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन कसूरवार कसूरवार तुम हो। तुम मुझे झूठी कहानियां कहती रही। मेरे भैया का घर तबाह हो गया, भाभी की गोद उजड़ गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। शेखर भैया को अपने बेटे की मौत का इतना सदमा नहीं हुआ होगा जितना मेरे बेरुखी पर। अब मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा? भैया, शेखर भैया घर छोड़कर चले गए। क्या? वो कहीं कुछ करना बैठे। आप जल्दी चलिए। चलो चलो। मधु, मधु। बरसों पहले इस तरह मेरे पास आए होते तो मैं इत्र का छिड़काव करती,
तुम्हारे पाँव में फूलों का फर्श बिछाती, तुम्हारे कदमों में झुककर तुम्हारे चरणों की धूल को लेती और अपनी मांग को सजाती। लेकिन ऐसी मेरी किस्मत कहाँ, मेरे नसीब में तो इंतजार की सूली और बदनामी का नरक लिखा था, जिसमें तुम मुझे धकेल कर चले गए। तुम्हें क्या मालूम मेरी क्या मजबूरियां थी, मैं भी किस किस सूली पे चढ़ा हूँ, किस किस नरक से गुजरा हूँ, तुम्हें क्या मालूम। अपना पाप छुपाने के लिए उस स्वर्ग को नरक न कहो जो तुम्हें मिला है। एक सुंदर पत्नी, नन्हे फरिश्ते, मनोप्यार, एक सुनहरा संसार। काश तुम समझ सकती और मैं तुम्हें समझा सकता। काश तुम्हारे प्यार में जहर और बदले की बजाय त्याग और कुर्बानी का जज्बा भी होता। ये त्याग और कुर्बानियां पुरानी किताबों की कहानियां हैं। इन पुरानी कहानियों में कितनी सच्चाई है तुम क्या जानो, तुम क्या जानो कि आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो अपने किसी फर्ज को पूरा करने के लिए अपना सारा जीवन एक सुलगती हुई चिता बना लेते हैं। उन पे गुजरती है मगर वो कहते नहीं, चुप रहते हैं सिर्फ अपने धर्म का पालन करने के लिए। मेरे जख्मों पर प्यार का मरहम नहीं रख सके, उन पर धर्म और कर्म का नमक तो न छिड़को, उससे दुख कम नहीं होता, दर्द बढ़ जाता है। सदियां गुजर गई, इतिहास बदल गए, मगर मर्द और औरत दोनों वही रहे। मर्द खिलाड़ी, औरत उसके खेलने का मैदान। खेल खत्म हो, खिलाड़ी चला गया, मैदान उजड़ गया। एक भूखा चोरी करता है तो जेल जाता है, मगर एक मर्द औरत का सब कुछ चुरा लेता है फिर भी आजाद घूमता है। मैं पूछती हूँ, उसके लिए कोई सजा नहीं, उसके लिए कोई कानून नहीं? कानून हो भी तो कैसे, जो जुल्म करते हैं वही कानून बनाते हैं। इसलिए मैंने मर्दों की इस अंधेर नगरी में अपने कानून खुद बनाए हैं, अपने फैसले खुद करती हूँ, अपने बदले खुद लेती हूँ, जैसे मैं तुमसे बदला ले रही हूँ। तुम्हें तो बदला लेना भी नहीं आता। रानी साहिबा, किसी की पीठ में छुरा घोंपने वाला कायर होता है, कमजोर होता है, बुजदिल होता है। उठाओ ये छुरा और इसे उतार दो मेरे सीने में, घोंप दो इस दिल में जिसने कभी तुमसे प्यार किया था, इस जिस्म के टुकड़े कर दो जिसके साथ कभी तुमने अपने जीवन की डोर बांधी थी। मेरे खून के छींटे उड़ाओ हवाओं में, जिस तरह तुम फूलों की पत्तियां उड़ाया करती हो। मेरा बदला इतना आसान नहीं हो सकता। तुम्हारे खून की चंद बूंदें उस मौत की कीमत नहीं जो मैं इतने बरस हर रोज मरती रही हूँ। मगर ये बात मत भूलो रानी साहिबा, बदले की आग वो आग है जिसमें जलने वाला भी जलता है और जलाने वाला भी। जलना मेरे लिए कोई नई चीज नहीं, मैं पिछले कितने बरसों से जल रही हूँ और उस वक्त तक जलती रहूंगी जब तक तुम्हारा जीवन पूरा शमशान नहीं बन जाता। मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है, मगर एक बात याद रखो, तुम्हारा कसूरवार मैं हूँ, मेरा खानदान नहीं, मेरी बीवी नहीं, मेरे बच्चे नहीं। बदला मुझसे लो, सिर्फ मुझसे, वरना उन मासूमों की आहें तुम्हें जलाकर खाक कर देंगी, तुम्हारा अपना जीवन शमशान बन जाएगा कई जन्मों तक। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारे सूर्य से नफरत है, निकल जाओ यहाँ से। सविता, हैरान हो गई मेरे मुंह से अपना पुराना नाम सुनकर। मैं हूं शंकरलाल, शेखर का बड़ा भाई। आप यहां क्या लेने आए हैं? मैं लेने नहीं, देने आया हूं आशीर्वाद। आशीर्वाद? हाँ, तुम्हें उसकी जरूरत भी है। ईश्वर ने तुम्हें दुर्गा जैसी शक्ति तो दी है, मगर गंगा जैसी नम्रता नहीं दी। नम्रता? नम्रता तो बहुत थी मुझमें, लेकिन दुनिया ने ऐसे कुल्हाड़े चलाए मुझे दिल को पत्थर बना लेना पड़ा। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला बेटी? ममता के चश्मे सूख गए तुम्हारी छाती में, सीने में प्यार के दिए हमेशा के लिए बुझ गए।
प्रेम के गुलाब मुरझा गए तो अपने पूरे जीवन को नफरत का एक कांटेदार जंगल बना लिया तुमने। मुझे तो तुम पर तरस आता है। आप मुझ पर तरस न खाइए, सिर्फ इंसाफ कीजिए। जो मेरे प्यार की गंगा में अपने पाप का जहर घोल के भाग गया, उसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कसूरवार को। निर्दोष और मासूम बच्चों को नहीं। तुमको नहीं मालूम कि एक नन्ना सा बच्चा तुम्हारे बदले की आग में आहुति दे दिया क्या? उस बच्चे के लिए तो आपकी आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उस वक्त आपके आंसू कहां थे जब मैं कुंवारी मासूम आपके भाई की वासना पर बलि चढ़ा दी गई थी? मेरे लिए समाज ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, मगर नरक के रास्ते खोल दिए। एक मां का दुख मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता, जिसकी गोद भरी मगर हमेशा के लिए लुट गई। मैंने इतने आंसू बहाए हैं अपने बच्चे के लिए कि अब मैं चाहूं भी तो दूसरों के लिए रो नहीं सकती। तुम रो नहीं सकते, इसीलिए तुमने बदले लेने शुरू कर दिए, सजाएं बांटनी शुरू कर दी। बेटी, सजा देनी है तुम मुझे दो, तुम्हारा असली कसूरवार शेखर नहीं, मैं हूं। मैं? आप? हाँ, मैं। शेखर की शादी उसकी मर्जी से नहीं, मेरे हुक्म से हुई थी, मेरी मरती हुई पत्नी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तुमने तो अपने दुख पर पहले आंसू बहाए और फिर सुखा लिए, लेकिन वो बेचारा तो रो भी नहीं सका है। उसने अपनी जिंदगी मेरी मर्जी पर बलि चढ़ा दी, लेकिन शिकायत का एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। मैं तो यहां तक कहूंगा कि वो शेखर नहीं, वो कलयुग का लक्ष्मण भी है और भरत भी। ईश्वर किसी को भाई दे तो ऐसा, बेटा दे तो ऐसा। एक दिन जब मैंने उसे तुम्हारी तस्वीर के सामने आंसू बहाते हुए देखा, तब मुझे पता चला कि वो तुमसे कितना प्यार करता था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने कसूर की माफी मांगने के लिए तुम्हें ढूंढने के लिए निकला, तुम्हारे घर पहुंचा, पड़ोसियों ने बताया कि तुम एक बच्चे की मां बनने वाली हो। सुनिए, सबिता नाम की लड़की कौन से कमरे में है? सबिता नाम की? हाँ? वो अभी अभी अपनी बच्ची को लेके गई है। मैंने देखा कि तुम एक पोटली अनाथ आश्रम के दरवाजे पर रखकर जा रही हो। मैंने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें पुकारा, लेकिन तुम कहीं खो गई। मैं दूर तक तुम्हारा पीछा इसलिए नहीं कर सका कि उस पोटली में लिपटी हुई नन्ही सी जान ने रोना शुरू कर दिया था। मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने घर ले आया। मैंने किसी को नहीं बताया कि उसका शेखर से कोई संबंध है। मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला, हमेशा अपनी जान समझ के पाला। कहाँ है मेरी बच्ची? आप बताइए ना, कहाँ है मेरी बच्ची? आप मेरी जिंदगी अपने नाम पे लिखवा लीजिए, मगर मेरी बच्ची मुझे वापस कर दीजिए। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ, अपने गले से लगाना चाहती हूँ। बताइए ना, कहाँ है मेरी बच्ची? शांति, इधर आओ बेटे। यह तुम्हारी माँ है। माँ? हाँ, जाओ अपनी माँ से मिलो, जाओ। माँ? बेटी, शांति, मेरी बेटी, मेरी जान, एक बार मुझे माँ कहकर पुकारो। माँ? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो,
तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं बेटी, ऐसा ना कहो। तुम इनसे बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। नहीं नहीं माँ, तुम जैसे जालिम और डाई नहीं हो सकती। बेटी हाँ, पहले तुमने मेरे भाई को खाया, अब तुम मुझे खा जाओगी। नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। मौसी, बरसों से मेरे कान माँ शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं, तुम्हें समझाओ इसे। मौसी, अरे वो तो चली गई। शांति शांति। अरे बास आ गया, बास आ गया। जिस मौके का इंतजार था वो आ गया। चलो मेरे साथ। चाहते थे अपने आप हो गया। बेटी,
मम्मी। भगवान, मैंने हमेशा तुम्हारी पूजा की है, सेवा की है। भगवान, आज तक मैंने कभी तुम्हारी पूजा नहीं की, कभी प्रार्थना नहीं की, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगा। आज मैं पहली और आखिरी बार तुमसे भिक्षा मांग रही हूं। मेरे पति के जीवन की रक्षा करना। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर उस सुहागिन का सुनहरा संसार सुनहरा रहने दो। और मेरे सुहाग की रक्षा करना प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा करना। उस सिंदूर की लाज रख लो जो एक दिन मैंने उसकी मांग में भरा था। बेटी, आप अंदर जा सकते हैं। सविता कहाँ है? ये खत रानी पद्मावती ने दिया है आपके लिए। शेखर, मुझे खुशी है भगवान ने तुम्हारी सहायता की और तुम्हें मौत के मुंह से बचा लिया। मैंने आज तक तुम्हें कसूरवार समझा, पापी समझा, ये नहीं समझ सकी कि कसूर तुम्हारा नहीं मेरी तकदीर का था। मैंने तुम सब पे जो जुल्म ढाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तुम्हारे सुनहरे संसार में मुझे जगह न मिल सकी, ना सही मेरी शांति। मेरी बच्ची को तो मिल गई है, इतना ही नहीं उसे लक्ष्मी बहन जैसी माँ भी मिल गई है। जिंदगी की बाकी अंधेरी रात काटने के लिए मेरे लिए यही रोशनी, यही खुशी काफी है। मैं जा रही हूँ दूर, बहुत दूर, जहाँ से मेरी परछाई भी नहीं पड़ेगी तुम्हारे सुनहरे संसार पर।